नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें प्रभाग क्रमांक 5 महेंद्र कॉलोनी, हमारा जो एक सीजन चल रहा है चुनावी दंगल का, आज महेंद्र कॉलोनी में हमने एक नुक्कड़ का आयोजन किया है। बहुत सारे आजी माजी जो इच्छुक नगर सेवक है, जो मनपा में जाने की उम्मीद रखते हैं या ताकत रखते हैं, उनका बारी बारी से पहले हम परिचय ले लें, फिर सभी से इस विषय में चर्चा करेंगे क्या एजेंडा रहेगा। बीजेपी के भारी प्रत्यक्षी है यहाँ, कांग्रेस के भारी प्रत्यक्षी है, सेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मन से, आरपीआई, आठोलेगढ़, रिपाईगढ़, सभी जो उम्मीदवार है यहाँ इस समय मौजूद है। हम एक एक करके सभी से बात करेंगे, पहले शुरुआत करते हुए इन सभी से उनका परिचय हम जान ले। बंडू निम्बोरकर, भाजपा। धनराज पंचवटे, शिवसेना। मैं सुनील उमक, लक्ष्मीनगर अमरावती, प्रभाग क्रमांक 5 से अमरावती। अविनाश पारडे, कांग्रेस। मी आशीष ठाकरे, शिवसेना उपशहर प्रमुख, प्रभाग क्रमांक 5 मधून इच्छुक आहे। प्रभाग नंबर 5, जमील अबी मोहम्मद जाबीर, प्रभाग नंबर 5 से कांग्रेस की टिकट मांग रहे। हेलो, रवी नवनाथराव नवले, महेंद्र कॉलोनी, प्रभाग क्रमांक 5। राजेश रावण चौरे, प्रभाग क्रमांक 5। राजेश भैयालाल कोठारे, प्रभाग क्रमांक 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अशोक रेवसकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रभाग क्रमांक 5, पंजा। मी प्राध्यापक प्रदीप दंदे, नगरसेवक, विलासनगर प्रभाग। आता माझा प्रभाग हा संतोषनगर, शिवनगर या बेल्ट हा महेंद्र कॉलनीशी जोडला, त्यामुळे महेंद्र कॉलनीतून मी अनुसूचित जाती या घटकातून उमेदवार म्हणून आहे। सर्वप्रथम सगळ्यांना सप्रेम नमस्कार। मी सरकार उर्फ रवी राय बोले, SC कॅटेगरीतून काँग्रेसची उमेदवारी मागितली आहे। धन्यवाद। संगीता भास्करराव रिठे, वार्ड क्रमांक 5 मधून मी उमेदवारी मागत आहे, पणजे। संरचना प्रवीण देशमुख, प्रभाग क्रमांक 5, महेंद्र कॉलनी येथून बीजेपी कडून तिकीट। मेघा मनोज काळे, भाजपा। मी सौ राजश्री राजेंद्र जटाळे, शिवसेना मधून उमेदवारी मागितली आहे। मी सौ माधुरी सुहास ठाकरे, मी भाजपा मधून उमेदवारी मागत आहे, प्रभाग क्रमांक 5 मधून। मी सौ सुनीता चराटे, शिवसेना मधून उमेदवारी मागितली आहे। मी रोशनी दुबे, प्रभाग क्रमांक 5, आणि इथे उपस्थित सर्व माझे भाऊ बहिणी सर्वांना नमस्कार करते। हा माझा प्रथम निवडणुकीचा कार्यक्रम आहे आणि सर्वांसोबत भेटी गाठी घेऊन मला फार आनंद होत आहे, म्हणून मी सर्वांना नमस्कार करते। धन्यवाद। सर्वप्रथम या व्यासपीठावर संभाव्य उमेदवार, या नगरातले ज्येष्ठ कनिष्ठ माझ्या माता बहिणींना, मी जगन्नाथ लक्ष्मणराव तराटे, शिवसेना प्रभाग प्रमुख, प्रभाग क्रमांक 5, महेंद्र कॉलोनी मधून शिवसेनेसाठी प्रभाग क्रमांक 5 मधून मी दावेदारी केलेली आहे शिवसेना तिकिटीसाठी। तो ये था इन लोगों का परिचय। एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय हम जान ले। संजय जानराव जी वानर है, संतोषी नगर में राहतो है, आणि मी शिवसेनेच्या उमेदवारीवर बघतो। आपने शिवसेना का टिकट मांगा है, काफी लाइन है शिवसेना की और कांग्रेस की, बीजेपी की। ये था इन सभी सम्माननीय नगर सेवक और इच्छुक नगर सेवकों का परिचय। सभी से एक एक बारी से हम बात करेंगे, जनता के भी सवाल हम जानेंगे। सबसे पहले हम प्रदीप जी दंदे से ही सवाल करेंगे, सीनियर रह चुके हैं। प्रदीप जी, मैं पहले ऑडियंस को ये बता दूं कि साहब, जो भी आपको अगर नारे या घोषणाएं करनी है तो कृपया थोड़ा प्रोग्राम के बाद करें, क्योंकि कोई सभा नहीं है। हम जितने भी यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार है, इनका साक्षात्कार लेने के लिए आए हैं। इनका क्या एजेंडा रहेगा इलेक्शन को लेके, यही चीजें हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। क्या नीतियां है, कोई सक्षम है, नहीं सक्षम है, क्योंकि आप ही लोगों के सवाल इनको मनपा में देने हैं और आपको भी देने के, ये आप ही के लिए काम करने हैं। तो कृपया कोई भी
इस चीज का बुरा ना माने और कोई घोषणाएं और नारेबाजी ना करें, क्षमा चाहता हूं। और हमारे साथ एक और नए उम्मीदवार जुड़े हैं, उनका भी हम परिचय लें। प्रदीप जी एक मिनट आप होल्ड कीजिए। हाँ ना परिचय। हो, मी दिगंबर मानकर या भागात तीन वेळा नगरसेवक राहिलेला आहे, आता इथे साक्षात्कार करायला आलेलो। मी आशिष पुरुषोत्तम भातकुले, मी काँग्रेसची उमेदवारी भरलेली आहे SC कॅटेगरीमधून आणि मी इकडे युवा कार्यकर्ता आहे। थँक्यू। प्रदीप जी प्राध्यापक है आप, इलेक्शन में काफी रंजे मुझे है, सब न्यू कमर्स है, साथ में इस प्राज जो है बहुत दिग्गजों से आपका सामना है, क्या लगता है आसान होगा आपके लिए? और वार्ड की रचनाएं भी बढ़ चुकी है, 24,000 लगभग राउंड फिगर इस समय मतदाता है, क्या लगता है आपको हो पाएगा आसानी से? महेंद्र कॉलोनी ये जो प्रभाग है, मराठी बोलू चालेल ना, हिंदी मराठी चालेल, हा प्रभाग विलासनगर प्रभागातील काही नगर, संतोष नगर, शिवनगर, जयशाराम नगर, आझाद नगर आणि विलासनगरचा काही भाग, लक्ष्मी नगर, महेंद्र कॉलनी या भागात जोडून हा नव्यानं प्रभाग झालेला आहे। या प्रभागात जवळपास 24,000 दरम्यान मतदार आहेत। मी सर्व उमेदवारांना जे विद्यमान आहेत, काही इच्छुक आहेत, त्या सर्वांना उद्या राष्ट्रीय मतदार दिवस आहे, त्या राष्ट्रीय मतदार दिवसाच्या निमित्तानं तुम्हाला शुभेच्छा देतो भावी निवडणुकीसाठी। आता प्रश्न असा आहे की नगरसेवक म्हटला तर आपला जो स्थानिक प्रतिनिधी असतो तो प्रतिनिधी हा महापालिकेमध्ये जातो आणि महापालिकेमध्ये आपल्याला आपल्या ज्या मूलभूत सुविधा आहेत त्या मूलभूत सुविधा त्यांच्याकडनं पुरवून घेणे हे त्याची प्राथमिक जबाबदारी असते, दिवा बत्तीची सोय लावणे। परंतु हे होत असतानाच तुम्ही सर्वजण नवे आहात, मानकर साहेब जुने आहेत आमच्या सोबत सहकारी योजनाताई आहेत, तर अमरावती मध्ये महापालिकेत जाणारा जो नगरसेवक आहे तो केवळ वार्डाच्या विकासासाठी जात नाही तर तो या संपूर्ण शहरासाठी धोरण निर्माण करणारी जी महासभा असते त्या महासभेत सदस्य असल्याने तो शहराचे धोरण आखतो आणि त्यामुळे या शहराचे धोरण आखणाऱ्या या सभेत आपण सर्व हे नगरसेवक म्हणून निवडून पाठवतो। तेव्हा केवळ आणि केवळ वार्डाचा विकास नव्हे या शहराचा विकास कसा होईल या भूमिकेतून मी माझी उमेदवारी हे दाखल केलेली आहे। जुन्या विलासनगर आणि शोभानगर या प्रभागात केलेली जी विकास कामे आहेत त्या बळावर या नव्या प्रभागात मी उमेदवार आहे। जवळपास 4,500 मत माझ्या जुन्या प्रभागातून या प्रभागात आले आणि त्या बळावर मी या भागाचा, महेंद्र कॉलनी या भागाचा विकास करण्याचा प्रयत्न त्यानिमित्तानं करणार आहे। माझ्यासमोर कोण उमेदवार आहेत हे मला अजून माहिती त्यांनाही माहित नाही, त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीनंतर या भागाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर या भागामध्ये ज्या अडचणी आहेत त्याचा अभ्यास करून मी या भागामध्ये लोकांना असं वाटणार नाही की आम्ही चुकलो उमेदवार निवडताना। कारण का अनेक वेळेला असं होतं की नि उमेदवार आपण देतो परंतु सभागृहात बोलत सुद्धा नाही, काहीच नाही, मग तो त्या शहराचा नाही वार्डाचा विकास कसा करेल। त्यामुळे आपण प्राथमिक स्तरावर उमेदवार निवडताना या महेंद्र कॉलनीतील जनतेला, या सिटी चॅनलने निर्माण केलेल्या चुनावी दंगलच्या निमित्तानं मी विनंती करतो की तुम्ही प्राथमिक स्तरावरच आपण आपला उमेदवार कसा असावा याच्यावर आपण अधिक जोर द्यावं, नाहीतर पुढच्या 5 वर्षाच्या निवडणुकीमध्ये अरे याला आम्ही चुकलो तो बरा होता अशी म्हणण्याची वेळ येऊ नये। या निमित्तानं आपण मी हे निवडणूक बघतो मी केवळ मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे साहब, आपने कहा है कि जो न्यू कमर्स है उनको सभागृह में जाना, प्रश्न पूछने में बहुत सारी दिक्कतें नहीं पूछ सकती, इसका मतलब ये है कि न्यू कमर्स ने या युवाओं ने इलेक्शन लड़ना ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं इनिशिएटिव ये दे रहा हूँ कि उन्होंने उस तरीके से अपना अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है। मैं पहली बार जब गया सवेरे फोन आ जाता है कि डुक्कर मिल नाली 3 दिवस झाले खूप वास येतो, मी प्रश्न कोणाला विचारायचा हा माझ्या पुढे प्रश्न असतो नगरसेवक नवीन, आणि त्यामुळे त्या महापालिकेचा अभ्यास होता होता ते दिवस निघून जातात, त्याचाही अभ्यास सिटी चॅनलने करावा
उमेदवारांसाठीच नव्हे मतदारांसाठी सुद्धा करावा, कारण का महापालिकेमध्ये अजून नियोजन आहे. मी पहिल्यांदाच सांगितलं त्यांना का तुम्ही महापालिकेत आलेला नगरसेवकाला ही महापालिकेचे किती विभाग, कोणते प्रश्न कोणाला विचारायचे, नाहीतर उठलं कमिशनरला फोन केला तर जमत नाही. म्हणून त्याचाही अभ्यास आपला अनुभव की जरूरत इस महानगरपालिका में सभी को होगी और ऐसे ही लोगों को यहाँ के नागरिकों ने चुन के देना चाहिए, ऐसा आपका मत है. अशोक जी रेवस्कर आप आइए इधर. आपकी पहले अर्धांगिनी आपकी अर्धांगिनी जो है वो अभी है इलेक्शन में थे. मैडम आप बैठिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बैठिए. क्या लगता है तब भी अभी जैसे कि प्रदीप जी धंधे ने कहा, क्या न्यू कमर्स को वहां जाना और हर चीज का ज्ञान होना पता होना बहुत जरूरी है, और अभी तक तो कुछ हो रहे सब काम तो मैडम ने किए होंगे, फिर आपने इंटरेस्ट दिखाया, मैडम को क्यों नहीं चांस मिला इस बार? नहीं मैडम को भी चांस देने को लीजिए, मैडम को भी चांस देने को हरकत नहीं है, लेकिन वहाँ क्या सभागृह में मैडम को जो बोले दिए जाए वहाँ आवाज दबाई जाती है. ये वजह से मैं मेरी 6 साल की सर्विस दाव पे लगा के मैं खुद लड़ रहा है, और जनता जो निर्णय करेंगी मेरे को वो पूरा मंजूर होगा, क्योंकि जनता को विकास चाहिए. जनता को विकास नहीं, ऐसा उम्मीदवार भेजना चाहिए कि सबकी बेकारी दूर हो और कुछ ना कुछ काम करे, इसलिए मैं ये निवडणूक में उतरा हूँ. साहब मैं आपको करेक्शन कर दूं कि अभी 5 साल पहले अभी रोलिंग में है विद्यमान है ताई जो है वो नगर सेवक पद पे, तो ऐसा हुआ है कि उनका आवाज दबाया है, विकास ही नहीं हुआ है? नहीं उसका आवाज दबाया नहीं, हमको निधि भी बहुत मिली और काम हमने इतना किए कि 20 साल में जो हमारे प्रभाग में काम नहीं हुआ था ये आप जनता से पूछिए. अगर जनता बोलती है विरोध तो रहता ही है, सब पार्टी में विरोध है, लेकिन हमने जो काम किए और यहाँ की जो बेकारी दूर हुई, जैसे अरडी हिरडे गुरु जी है और जो बुजुर्ग लोग हैं, ये जो जनता पसंद करेंगी जिसको चुन के देंगी उसने मंजूर करने को ना, सब मिलजुल के इलेक्शन लड़ने को ना, या आपने जैसा मिलजुल के कार्यक्रम लगाया ऐसा ही मिलजुल के कार्यक्रम लगाने को ना, ये हमारी एक ही है. तो ये मैडम को इस बार आपने ब्रेक देने का सोचा, आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं मैडम को ब्रेक देने का नहीं सोचा, मैडम ने बोला कि भाई मेरे वजह से ये अब आपकी सर्विस भी हो गई पूरी 34-35 साल सर्विस हो गई मेरे वजह से, ओपन पुरुष है यहाँ का जो वार्ड है, पहले भी ओपन पुरुष था और ओपन पुरुष में लेडीज एक चुन के आई वो भी 2018-83 वोटों से जी. तो इसने बोला कि भाई मेरे वजह से अब तुम काय को तुम खुद मोकले होगा इसलिए तुम खड़े रहो. उसने मेरे को चांस दिया, मैं उसका बहुत बड़प्पन मानता हूँ, उसने मेरे को खुद चांस दिया इसलिए मैं खड़े रह रहा, नहीं तो मैंने भी अभी भी इच्छा किया था कि वो ही लड़े, लेकिन ओपन पुरुष होने की वजह से मैं मुख्य लड़ा. लेकिन ज्यादातर तो ऐसा होता है जो महिलाएं इलेक्शन लड़ती है, एक तो उनके जो मिस्टर है वो महानगर पालिका में जाते हैं और का सारे काम वैसे देते हैं, ऐसा भी आरोप बाहर से आता रहा है, तो आपने भी इन 5 वर्षों में ये सब कार्य आपने किए हैं क्या? नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सर्विस पर था, सब काम उसने किया, उसने निधि खुद के लिए खींच के लाया और उसके काम से मैं एकदम समाधानी हूँ. लेकिन अभी जो अभी नया टर्म आएगा, तो जैसे कि प्रदीप जी प्राध्यापक साहब ने हमारे कहा कि न्यू कमर्स को थोड़ी तो तकलीफ होगी, क्या सवेरे मॉर्निंग हुआ कि कॉल आता है भाई यहाँ ये डेथ हो गई, कुत्ता पड़ा है, कचरा नहीं हो रहा, नाली साफ नहीं है, वर्क फ्लो हो रहा है, तो इन सब चीजों को लेके क्या मानते हैं? सही है इनका बोलना? वो नगर सेविका थी, लेकिन जो भी प्रोसीडिंग घर को आती थी वो सब मैं पढ़ के उसके बाद में मेरे जो समझो गुरु है प्रदीप भाऊ, उनसे सलाह लेके मैं उसको बताता था, कोई भी काम मेरे को अगर गिरा तो प्रदीप भाऊ से ही सलाह लेके मैंने आज तक किया, जो भी मेरे को अड़चन है मैंने प्रदीप भाऊ से सलाह लेके मेरा पूरा काम किया. और मेरे वार्ड में कोई भी आदमी को आज लोगों ने एक नगर सेवक को महिला बचत से 5-5 सिलाई मशीन मिली थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करते हुए सबसे जितने भी स्वीकृत नगर सेवक है या महापौर ऐसे कम से कम 20-30 मशीना मैंने खुद बांटा, बाकी नगर सेवक ने 5-5 ही बांटा. ऐसा है घरवाली ने बांटा. तो प्रतीक जी और आप साथ में इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा है कि जब आप उनको गुरु मानते हैं साथ में? नहीं वो उनके पक्ष से लड़ेंगे, मैं मेरे पक्ष से लड़ूंगा, लेकिन हम मिलजुल के इलेक्शन लड़ेंगे. अगर किस्मत में आपको टिकट देती है तो कांग्रेस का हाथ छोड़ेंगे आप? नहीं नहीं मैं कांग्रेस का कट्टर हूँ, 20 साल से कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में लड़ूंगा. ठीक है बेटी हम आपसे बात करेंगे. मैडम अभी जैसे कि रेवस्कर साहब ने कहा है कि महिलाओं का आवाज कहीं ना कहीं, मैडम साहब ने जैसे कहा कि महिलाओं का आवाज कहीं ना कहीं दबाया जाता है, हाउस में बोल नहीं पाती, कितना सहमत है आप इनकी बात से? मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आजकल 52% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है. महिलाओं में कुछ तो भी होगा, सरकार ने भी देखा कि आजकल महिलाएं पुरुष से कहीं भी कम नहीं पड़ती है. मराठी में बोलू तो चले, आज अपन पाहिलेला आहे का, आज महिला ही अबला राहिलेली नाहीये, सबला राहिलेली आहे, आणि कोणी तिचा आवाज दाबू शकेल असं वातावरण आजकल मला नाही दिसत. आणि जे प्रदीप भाऊनी म्हटलं की न्यू कमर्सला त्रास जातो, प्रत्येक ठिकाण हे पहिल्यांदा नवीनच असतं, आज नवीन असेल, उद्या नवीन असेल, परवा नवीन असेल, पण एक दिवस तो जुना होतो. आणि न्यू कमर्सला चान्स दिला पाहिजे. माझं म्हणणं कसं आहे की न्यू कमर्सला चान्स दिला पाहिजे, त्यांच्यात काय गट्स आहे, त्यांच्यात काय कुवत आहे, ते काय करू शकतात, हे जोपर्यंत आपण पाहणार नाही आपल्याला कसं समजेल?
क्या लगता है मैडम, बहुत सारे बीजेपी की एक अलग ही सबसे ज्यादा जो फॉर्म उठे वो बीजेपी कार्यालय से ही लिखे गए, आपके भी कॉम्पिटिटर है, क्या लगता है यहाँ पे बहुत दिग्गज है, मानकर साहब है, प्रदीप जी डंडे है, रेवसकर जी और युवा सेना के भी लोग है, क्या लगता है इन बीच में महिलाएं कितनी सक्षम होके इनको फाइट कर सकेंगी, क्या लगता है आपको? ये आप 23 तारीख को देख लेना कि कितनी महिलाएं आती है और कितने पुरुष आते हैं। 23 तारीख को रिजल्ट के बाद में ये पता लग जाएगा कि महिलाएं कितनी सक्षम हो चुकी है पुरुष के चलते हुए, ऐसा मैडम ने कहा है। हमारे साथ में और भी बहुत महिलाएं हैं जिनसे हम अभी बात करेंगे, और हमारे साथ में जेंट्स भी है। साहब, आपने सेना का टिकट मांगा है, क्या लगता है? माझं नाव धनराज पंचवटे, नवीन कॉटन मार्केट प्रभागामधून शिवसेनेचा उमेदवारी मागितलेली आहे। शिवसेनेचं एकच धोरण आहे, 20% राजकारण, 80% समाजकारण। या धोरणानं मी निवडणुकीमध्ये पुढे येत आहे, पक्षाची उमेदवारी मागितलेली आहे, पक्ष मला उमेदवारी देईल, मी ते काम करन। आणि राहिलेला विषय जो आधी नगरसेवक होता आमच्या प्रभागातला, आम्ही त्याचं काम केलेलं आहे, त्याला निवडून दिलेलं आहे, त्यांना कुठेतरी आपला स्वार्थ, आपला स्वार्थ 80% 90% ना, स्वतःचा स्वार्थ, परिवाराचा स्वार्थ सारता, त्याच्यामुळे त्याला कुठेतरी बाजूना करायचा आहे। त्याच्यासाठी आम्ही सर्व शिवसेनेचे लोक त्याच्या विरोधात लोकांचा आशीर्वाद घेऊन त्याला त्याची जागा दाखवणार आहोत। त्यासाठी मी शिवसेनेचा उमेदवारी मागितलेली आहे। राहिला विषय माझा, मी नवीन आहे, कसं असतो, पहिल्या वर्गात जरी माझं नाव टाकलं असेल तरी मला एक दोन ABCD सर्व शिकावं लागन, तर माझ्यासोबत काही वरिष्ठ लोक जे येणार आहे निवडून, मी त्याचं आपल्या पद्धतीनं मार्गदर्शन घेणारच आहे, आणि त्याला त्याचा आशीर्वाद माझ्यासोबत राहणार आहे। आणि माझं विकास काम, माझं राजकारण, समाजकारण, हे सर्व जनतेला, ह्या नगराला, सर्वांना माहिती आहे। इतने दिग्गजों के बीच में आपका स्थान कहाँ रहेगा, आपको क्या लगता है? बहुत दिग्गज लोग है, दो दो चार चार टर्म इनके हो चुके हैं, हाउस में बैठ चुके हैं, हाउस के हर ऊंच नीच अलट पलट दाव पे जिनको पता है, आप कितना टिक पाएंगे इनके दाव में? जनता ने ठहराया हुआ है सर, थोड़ा माइक, जनता ने ठहरा हुआ है, परिवर्तन चाहिए, हिंदी बोलूं, जनता ने ठहरा हुआ है, परिवर्तन चाहिए, नवे को संधि देना देंगे वो लोग। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे, ये तो प्रकृति का नियम ही है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, बदल होना चाहिए, युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, नयों को भी मौका मिलना चाहिए, और बहुत सारी चीजें महानगर पालिका में है जो पता होती है और जो नहीं पता होती है। हमारे बीच में और भी महिलाएं हैं, मैडम आपने भी बीजेपी का टिकट मांगा है, बीजेपी का टिकट मांगा है, क्या लगता है? बहुत बड़ा प्रभाग है, मुझे पूरा विश्वास है कि उम्मीदवारी मुझे ही मिलेंगी, वो टिकट मुझे ही मिलेंगी, क्योंकि मेरा जो धोरण है वो सिर्फ समाजकारण के लिए है, मैं राजकारण में ज़्यादा ये नहीं इंटरेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन समाजकारण में मुझे करना है, क्योंकि हमारे प्रभाग में बहुत सा ऐसा हिस्सा बाकी है जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ पे मुझे करना है, और यही धोरण से मैं अब उम्मीदवारी मांग रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे वो मिलेंगी। मैडम विकास ही क्यों मुद्दा, हर कोई देखे तो विकास की बात करता है, विकास तो ऑलमोस्ट होता ही है, नल पानी जो भी है, रास्ते बिजली, ये तो मूलभूत सुविधा है जो मनपा भी प्रदान करती है, इसके अलावा और क्या नया लाना चाहती है? ये तो अभी जो तत्कालीन है वो भी कर रहे हैं, तो आप क्या ऐसे नया लोगों के लिए करना चाहेंगे? अब आप कहते हैं कि विकास होता है, लेकिन असल में होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारा विकास ऐसा बाकी है जो हुआ नहीं है, और वो भी हमारे एरिया के आसपास का है। अब आप कहेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये शोभा नगर में जो वो नाला है वहाँ पे लोगों को इतनी तकलीफ जा रही है, और कई सालों से हो रही है, तो वो तो अभी तक हुआ नहीं है ना, वो भी तो हमारे इसमें यानी ऐसे सबको तकलीफ है उसकी, कुछ भी हुआ नहीं है उसका। और महिलाओं को लेके क्या विशेष आपका मुहिम रहेगी इस चीज में लेके इलेक्शन में? महिलाओं के लिए तो मैं यानी सब महिलाओं के लिए तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब मैं जब महानगर पालिका में जाऊंगी तो वहाँ पे उसी बात का ज्यादा जोर रहेगा कि महिला के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, उनमें क्या क्या मोदी जी ने क्या क्या हमारे लिए रखा है, और मैं वहाँ से क्या क्या लेके आना चाहती हूँ महिलाओं के लिए, ये मैं पूरा प्रयत्न करूँगी कि मैं वो सब पूरा लेके आऊंगी महिलाओं के लिए। हमारी आशा है आप जरूर वहां तक पहुंचे। कांग्रेस से भी हमारे साथ में है सरकार, आइए आप, क्या लगता है इतने दिग्गजों में, सब दिग्गज है यहाँ पे, पांच पांच दस दस, क्या लगता है भैया? खिलाड़ी तो सभी तरीके के रहते हैं,
खेलना तो अपने अपने तरीके से है। और बोलना ये चाहता हूं कि भारत में 60% युवाओं के हाथों में ही पूरी धुरा है, थी, है और रहेंगी। और रहा बात अनुभव का, तो हम भी तो सीख ही रहे और वो भी तो सीख के आगे बढ़े। युवाओं के 60% आपने कहा कि युवा के हाथ में है, लेकिन हाउस में जाके देखो युवा दिखाई नहीं देते। हाउस में ये युवा है, देखने का नजरिया चाहिए, क्यों नहीं दिखते? आप भी युवा हो, मैं भी युवा हूँ, और यहाँ पे बहुत से जो है वो भी युवा ही है। महानगर पालिका की बात का महानगर बात कर रहा हूँ, महानगर पालिका में भी युवा है। अबाउट 25 या 26 का कोई वहाँ दिखाई नहीं देता है, सब अबाउट 50 के ऊपर दिखाई देते हैं, फिर युवा कहाँ से हो गए, 50-60 के दिखाई देते हैं सब। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो करना ही पड़ेगा, समझ जाओ कि आज से शुरुआत है। मैं करेक्शन, हमारे जो नेता है सम्माननीय राहुल गांधी जी, वो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, वो भी तो युवा ही है। हमें महानगर पालिका नहीं, हम तो दिल्ली में है आज, हमारा नेता दिल्ली में है आज। साहब देखिए, जब युवाओं के हाथ में, युवाओं के हाथ में बागडोर दी गई है कांग्रेस की जी, तो फिर ये एक लहर में सारी युवा उड़ के कहां निकल गए, ये समझ में नहीं आ रहा हमें तो। भैया पतंग जो है उड़ाते समय उड़ाने वाले पे डिपेंड करता है कि हवा के दौर से उड़ाना है कि उधर के दौर से उड़ाना है। मेरा प्रश्न आप नहीं समझे, मैं करेक्शन कर दूं, मैं बोलूं युवाओं का ही इस समय सब ताल चल रहा है जी हाँ। तो आप केंद्र में भी देखेंगे तो कांग्रेस पूरी तरह साफ हो चुकी है, और यहाँ पे भी अभी जो आजू बाजू भी अपन नगर पंचायत पंचायत समिति देखे तो कांग्रेस लगभग नहीं के बराबर चल रही है। तो क्या समझते हैं, युवा सक्षम कर नहीं पा रहे इस चीज को? नहीं, युवा सक्षम कर पा रहे हैं, थोड़ी कोशिश कम गिर रही होंगी, लेकिन अभी जो है वो कोशिश हम पूरी करेंगे और युवाओं को ही चुनकर लाएंगी जनता, क्यों तो युवा ऐसे है जो तड़पदार चाहिए, ये बड़ों का बुजुर्गों का तो साथ चाहिए, लेकिन उसके साथ में तुमको ताकत भी तो लगेंगी ना। ताकत कौन है, युवा ही है ना सर। ताकत से बेटर तो चतुराई भी होती है ना। चतुराई भी की जरूरत है, युवा को ताकत की जरूरत क्यों नहीं है, चतुर... हाउस में जाके शब्दों के बाण चलाने ना ही के वहाँ कोई वेपन चलाना तो है। जो भी वेपन चलाएगा तो बिना अभ्यास का तो नहीं चलाएगा। युवा ऐसा कौन सा युवा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, किस चीज का नॉलेज नहीं आज युवाओं को, ये बताओ मुझे। हर चीज का नॉलेज है, ओरली है, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली भी है, प्रैक्टिकली भी है। वो आज इस ये आगामी 2017 के महानगर पालिका के निवडणूक में आपको दिखाई देगा। क्या लगता है फिर से सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, हमारी ही सरकार होगी, छाती ठोक के बोलते हैं हम। लेकिन बीजेपी सेना बोलती है, बीजेपी से अभी सत्ताधारी जो पक्ष है उसके बावजूद भी हम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में भी कांग्रेस पार्टी ये दो नंबर पे है। और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, जब सत्ताधारी पक्ष 4 नंबर पे था, आज हम कम नहीं है। कहीं ना कहीं आप तो पिछड़ आज हम कम नहीं है, ना ही रहेंगे। लेकिन आप पिछड़ गए ना, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आप पिछड़ चुके हो उससे। पिछड़ने चिल्ला के या ऐसा लाउड बोल के तो सत्य को नहीं दबाया जा सकता ना। कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट और नतीजे नहीं आ रहे हैं ना, उसको क्या कहेंगे आप? रिजल्ट तो भैया ये है कि 906 नगर सेवक जो है आज महाराष्ट्र में, 916 सॉरी, आज को आप केंद्र की बात करें तो मैं केंद्र पे ले जा रहा हूँ आपको, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो एक टाइम ऐसा था कि हमारे भी भिन्न विरोध सत्ता थी, एक टाइम ऐसा है कि आज उनकी विरोध सत्ता है, कहीं ना लेकिन है तो हम भी आने वाले। कहीं ना कहीं डूबा हुआ सूरज हमेशा उगने के लिए होता है, अगर डूबेगा नहीं तो उगेंगे कहाँ से? कहीं जनता ने आपको नकारा समझा है, इसलिए आपको बैकफुट पे भेज दिया है। नकारे हम कभी भी नहीं थे सर, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, और परसों भी नहीं रहेंगे। बैकफुट पे है ना, अभी बैकफुट पे है ना, तो कौन नहीं था आज के तारीख में बैकफुट पे? नहीं, अभी प्रेजेंट की बात चल रही है सर। प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट में भी हम कम नहीं है, कम नहीं की बात कर रहे हैं। जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, मैं युवाओं को लेके ले रहे, युवा जब आपके साथ इतने कनेक्ट है तो फिर क्यों सत्ता नहीं हासिल कर पा रहे हैं आप? ये पारी को कर लेंगे ना हम, ठीक है, ये भी देखेंगे, ये बारी में आप सत्ता हासिल करते हैं वो भी हम देखेंगे। 23 तारीख को रिजल्ट लगने वाला है, देखते हैं क्या आपका निष्ठा, हम आपसे फिर बात करेंगे। जनता हमारे साथ में है, और हम मेरे कांग्रेस पार्टी की ओर से सबको आपको विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार ही चुन के दिए। आपका स्वागत है सिटी चैनल के इस प्रोग्राम में। साहब क्या लगता है, युवाओं में तो बहुत जोश लग रहा है और बोलते हैं इस बार भी सत्ता हमारी बनेगी मनपा में, क्या लगता है? हाँ, युवा पाहिजे आपल्याला, इतर सगळे युवकच आहेत, युवा पाहिजे, पण लोकसभेत झोपणारा युवा नाही पाहिजे, बरोबर आहे ना? मी महानगरपालिकेत 1992 पासून नगरसेवक म्हणून काम करत आहे आपल्या या भागात, रतनगंज पासून
सर थोड़ा क्लोज लीजिए। हाँ, संतोषी नगर शिवनगर पासून महेंद्र कॉलनी भागापर्यंत 1992 पासून काम करत आहे। काम करत असताना लोकांच्या रोड नाल्या सोबतच एक सामाजिक बांधिलकी असते आपली। सामाजिक बांधिलकी मी खासदार आनंदरावजी घुळे यांच्या फंडातून सुरुवातीलाच एकदम राम मंदिर उभारणीचं काम केलं, तिथं मोठा हॉल भरून दिला। त्याच्यानंतर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून बीपीएमसी ॲक्टच्या माध्यमातून आम्ही इथे युवकांकरता व्यायामशाळा स्थापन केली। त्याच्यानंतर महेंद्र कॉलनी भागात एक चांगला बगीचा निर्माण केला। आधी उद्यान बगीचा निर्माण केला। रोकना चाहूंगा, विषय हमारा ये था युवा ही देश का भविष्य बना रहे हैं ऐसा ये बोल रहे, और युवा इस बार भी मनपा में कांग्रेस का ही दावेदारी होंगे महापौर कांग्रेस। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का पूरा सफाया यहाँ हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी लोग है, इनका नाम आपने टीवी पर बताया, ये कैसे भ्रष्टाचारी मैं दो मिनट में बताऊंगा कैसे भ्रष्टाचारी, आपने तो बताया था। हाँ हाँ, वो विषय पे बात करेंगे। हाँ, प्रदीप आया जी प्रदीप बोल रहे हैं, टॉयलेट घोटाळा कोणी केला हो? जिथं आपण बाथरूम जातो, बाया जातात, माणसं जातात, काँग्रेस तीच केला। टॉयलेट घोटाळा महापालिका आपने लाया था टीव्ही पर, बराबर आहे की नाही? वाढचे लोक चुन के लागे, तू टॅक्स मध्ये घोटाळा, टॅक्स पावती घोटाळा, काँग्रेस कंपाऊंड डेपोट घोटाळा, 27 एकर जमीन लोकांच्या हडपल्या यांनी, 300 कोटीचा घोटाळा केला, 3 वेळा अग्रीमेंट कॅन्सल केले यांनी। हे काय करणार आहेत? हे काय सत्य देणार आहेत? आणि लोकसभेत झोपताना आपण पाहतोच त्यांना कसे आहेत। तो हे आने वाले चुनाव में दिखेंगे नहीं कहीं पर, नजर नहीं आएंगे। कांग्रेस का सफाया इस बार सफाया वाले यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 या 7 सीटों के ऊपर जाते नहीं है इस बार, वो भी आंकड़ा हम आने नहीं देंगे ऐसा कहा। इस कौन नहीं जाता? सेना और बीजेपी। नहीं नहीं, आप तो पूरा लक्ष्य देख रहे हैं ना, अभी चित्र कैसा है तो हम देख रहे हैं और उसका एनालाइज भी कर रहे हैं सब चीजों को लेकर। तो मैं, आप एक मिनट बैठिए, रेवस्कर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, इधर आइए। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार फाइबर टॉयलेट का होगा, जमीन हड़पने का होगा, टैक्सेशन का है, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा में सोते हैं ऐसा इनका आरोप है। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि नगर सेवक ने पूरे जनता को लेकर चलना चाहिए, लेकिन मेरे पास 20 नाम ऐसे है कि 15 साल पहले जिनको लोगों को 1500 रुपए टैक्स था, सिर्फ महेंद्र कॉलोनी में वो 20 लोगों का टैक्स 1500 पर से 500 रुपए किया गया। क्यों? 15 ही लोग महानगर पालिका में महेंद्र कॉलोनी में रह रहे, बाकी लोग कहाँ गए? 15 लोगों के नाम मेरे पास है, लेकिन मैं नाम बोलूंगा नहीं क्योंकि वो लोग नाराज हो जाएंगे। विद्यमान नगर सेवक ने 6000 जनता घरों में से सिर्फ 15 लोगों का टैक्स कम किया, ऐसा क्यों? और काम के बारे में अगर मैं पाड़ा पढ़ते रहूं तो 14 कोटी के काम है, यहाँ जनता पूरी बैठी हुई है, ऐसा एक भी रोड नहीं। गजानन महाराज से लेके तो छत्रसाल नगर, यहाँ राम मंदिर के भी लोग है, गजानन महाराज के भी लोग है। गजानन महाराज मंदिर का स्लैब मैंने डाल दिया, राम मंदिर पर 7000 रुपए लेके लोगों के, गरीब के शादिया हो रहे हैं, वहाँ चौकीदार है, बिल भरे जा रहे हैं, इनके पीरियड में बोगस मीटर रह के भ्रष्टाचार किए जा रहा था। इनके मतलब हाँ, जो अभी अभी हाँ, जो अभी रोलिंग अभी जो नगर सेवक है, अभी जो रोलिंग नहीं पहले पूरा, अभी जब हम आए वहाँ पर हमने तो मीटर ले लिए। मैंने उनको क्लियर वार्निंग दिया राम मंदिर वालों को, वहाँ कोई भी अगर एक एक पैसे कैसे का हिसाब रखो, बीच में बदनामी किए गए, 7000 रुपए ले रहे, 7000 में क्या मिलता आप मेरे को बोलो? आज गोर गरीब के शादियां की सब वहाँ हो रहा है। थोड़ा मुद्दे से हम अलग जा रहे हैं, फाइबर टॉयलेट घोटाले की बात चल रही है और टैक्सेशन को लेकर चल रही है। मैं कहूंगा कि कृपया इसी विषय पे आप उनको जवाब दें इस चीज को लेकर। फाइबर टॉयलेट का घोटाला पूरी खत्म हो जाएंगी ऐसा उनका, फाइबर टॉयलेट का घोटाला जो है इसका ऊपर लेवल पे मुद्दा उठा हुआ है, बरोबर, इसका घोटाला वहाँ ही खत्म कर दिया। अगर घोटाला होते आयुक्त ने कार्रवाई करने को ना था, लेकिन कोर्ट तो गए है ना, कोर्ट गए, उस पर क्या कार्रवाई हुई? आज भी कांग्रेस की सत्ता, सबसे ज्यादा नगर सेवक कांग्रेस के चुन के आए हुए, नगराध्यक्ष बीजेपी के आए हुए, सेने का सफाया हो गया, सेने का महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं, बीजेपी एक नंबर पे है, 2 नंबर पे कांग्रेस है। हाँ, और वो भी नगराध्यक्ष पद पर, अगर नगर सेवक चुनते हैं तो कांग्रेस के नगर सेवक एक नंबर, अचलपुर ले हो, दरियापुर ले हो, दामनगांव ले हो, नगर सेवक कांग्रेस के ही एक नंबर पे है। और मेरा काम के बारे में पाड़ा पड़ू तो पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं ये बैसाखी का काम बीजेपी के साथ में करने के फिराक में, ऐसा आप कहते हैं? हम मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है, आप बैठिए। क्या कहेंगे ऐसे आरोप इन्होंने भी आप पे लगे जड़े हैं क्या? नहीं, ये एक नंबर ही है ना, भ्रष्टाचारी। अरे आप समझ में नहीं आ रहे, हर जगह पर एक नंबर ही है, भ्रष्टाचारी है। अरे एक टॉयलेट तो इसमें आपने बताया ना मेरे को, वो तो मुद्दा है, 300 कोटी का घोटाला यहाँ पर हो गया है, कोर्ट में बैठक चल रहा है, पुलिस कमिश्नरच्या नावावर 27 एकर जमीन घेतल्याचा आरोप आहे, त्याच्यावर कोल्हापुरी गेट पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दाखल झालेला आहे, बबन लडकीने केलेला आहे, मला सांगा तरी भ्रष्टाचार नाही म्हणते? 3-3, 4-4 दिवस लोक अंधार आलेले आहेत नगर सेवक,
हे भ्रष्टाचारी लोक निवडून येणार नाही आहेत. ठीक आहे, महिलाओं से मैं आप बैठे आइए, आप बताइए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस बीच में फिर भी आप कहाँ स्थान समझते हैं, एक मिनट की टांग खिंचाई चल रही है, क्या लगता है आपको, हाउस में जाना चाहिए ये सब देख के? हाँ, जाना चाहिए. बोलिए. हाउस में जाना चाहिए. मैं दोन वेळा राष्ट्रवादी तिकीट वर लढलेली आहे, मला जनतेने म्हणजे दोन नंबर वर ठेवलेलं आहे, यावेळेला जर मला चान्स दिला तर मी नक्की म्हणजे महानगरपालिकेत जाणार आहे. महानगरपालिकेमध्ये साहेब काँग्रेस से है, आप आइए इधर, हम सभी से बारी बारी सभी को चांस मिलेगा, सबको भी अपने बात रखने का मौका मिलेगा. मानकर साहब ने सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस एक नंबर की भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार करती है, ये भ्रष्टाचार करती है करके क्या कहेंगे? कांग्रेस पड़ते ने 3.5 करोड़ रुपए के काम करे है, थोड़ा नजदीक लीजिए, और काम कांग्रेस करती रहती है. मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है, कृपया साहब हमने ऑडियंस के लिए भी प्रश्न रखे हैं, लेकिन हम पहले तो जान लें, इनका एनालिसिस हम कर ले, बाकी रहे साहब 90% आप कर लीजिए. नहीं नहीं साहब, ये साहब ये जनता का सवाल है, और जनता के सवाल लेके हम लोग इनसे पूछ रहे हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोग्राम नहीं होना चाहिए तो हम नहीं करते, कभी हमें शांति से इनका एनालिसिस करने दीजिए, हम जनता के सवाल लेंगे, सभी के सवाल हम इनसे पूछेंगे, और इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी नौकरी करने के लिए अभी तैयार है, सबको बेस्ट बता रहे हैं कि हम इनके लिए बेस्ट होंगे करके. तो कृपया अगर ये कोई सवाल का जवाब देते तो कृपया कोई भी मेरा भाई मेरी बहन पीछे से आवाज ना लगाए, हमें इनका पहले मनोगत जान ले, कौन कितना सक्षम है आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ही आपको निर्णय लेना है कौन आपके लायक है नहीं है. साहब मुद्दा चल रहा था, जैसे सेना के अपने मानकर साहब ने आरोप लगाया कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, फाइबर टॉयलेट का मुद्दा हो, टैक्सेशन का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे है जिसमें स्टार बसेस का भी आप उल्लेख कर लीजिए, और कहीं ना कहीं हम इस बार कांग्रेस को मनपा से बाहर कर देंगे, तो क्या कहेंगे इस पे आप? मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब इसका जवाब तो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ दे सकते हैं. साहब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप हाउस में जाके क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या बात करेंगे आप? कोशिश करेंगे, कोई मारपीट से तो कोई सिक्के आता नहीं. लेकिन साहब बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां आपको वहीं फेस करके सेल्फ डिसीजन लेना पड़ता है, तो फिर क्या करेंगे आप? कोशिश करेंगे सर, कोशिश जहां पढ़ाई का और मैच्योरिटी का सवाल आ गया वहां कोशिश काम नहीं आती है साहब. देखो मैं तो ये इलेक्शन से प्रभाग से मेरी जमील अभी मोहम्मद जाबिर मेरी सास कड़ी है, और पहली बार ये मौका मिला, ये वार्ड से पहली बार मौका मिला हुआ है, अब सोचेंगे. इसमें आजाद नगर, अभीम नगर और महेंद्रा कॉलोनी के सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं पढ़ा लिखा तो है नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि भाई प्रभाग नंबर महेंद्रा कॉलोनी से मेरी जमील अभी मोहम्मद जाबिर मेरी सास खड़ी हुई है, और 6,650 वोट है, आप कोशिश करो. साहब ये 6,650 का समीकरण कुछ समझ में नहीं आया. ये 23,000 प्रभाग का वाट है, और इसमें सभी जाति के धर्म लोगों के सबके अलग अलग वोट है, और मैं भी हबीब नगर प्रभाग से खड़ा हूँ, आजाद नगर उसमें मेरा आता है, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की जनता से, तो भाई पहली बार मैं ये वार्ड से खड़ा हूँ, और आप लोगों से मेरे कांग्रेस पक्ष से चुन के लाना है, और आप ही का सहयोगान रहेगा तो मैं ये वार्ड से चुन के आऊंगा. ठीक है साहब, हम आपसे बात करेंगे, और बैठिए, हम और आपसे बात करेंगे, और हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं उनसे भी हम बात करेंगे. रोशनी मैडम आइए, आप बैठे इधर आइए, मुझे बताइए ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है घोटालों को लेके, पहले भी महिला पार्षद ने मेयर का एक पोस्ट संभाला था, क्या लगता है आपको? आपको बताना है क्या उद्देश्य है आपका इन चीज को लेके, कैसे क्या आपको राजनीति में आने की सूची, क्या उद्देश्य को लेके लड़ना चाहिए? सर्वप्रथम मैं सर्वांना अभिवादन निमित्त इथे सर्व उपस्थित झाले याबद्दल आणि मला इथे आमंत्रित केलं याबद्दल सर्वांना मी नमस्कार करते. मी पहिल्यांदा इलेक्शन साठी उभी आहे, उमेदवारची मी सीट मागत आहे. माझ्या समोर 10वी पास झालेले, 12वी पास झालेले आणि माझे मानकर भाऊ, रेवसकर भाऊ, प्रदीप भाऊ, पारडे भाऊ, उमक भाऊ, सर्वच आहे, राजेश भाऊ वगैरे सर्वच आहे, माननीय आदरणीय आहेत माझे सर्व काही. हे 10वी 12वी झालेले आहेत.
मला असं वाटतं. मी बालवाडी पास झाली, पहिल्या वर्गात माझं नाव आलं, इथून माझी सुरुवात झालेली आहे. बालवाडी पास होके अब यहां कैसे है, मैं नहीं समझूंगा. इनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला, ये सब कुछ आचार संहिता ये सब कुछ जानने का मुझे मौका मिला, कौन कैसा है ये जानने का मुझे मौका मिला, और इलेक्शन क्या होता है, राजनीति क्या होती है, ये मुझे जानने का मौका मिला है. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा सिर्फ पहले का अभ्यास हुआ है. क्या क्या अपेक्षा है आप ये नगरवासियों से रखती है, और क्या एजेंडा है आपका इस इलेक्शन को लेके, कितना सीरियस लेती है आप चीज को लेकर? सीरियस मैं इसलिए हूँ कि शुरू से मैं कार्यकर्ता रही हूँ, समाजवादी रही हूँ. सिर्फ पहली बार जो है राजकारणी बनी हूँ. बहुत दिग्गज है आपके फाइट में, क्या लगता है आपको जीत पाएंगे इनसे? पब्लिक बहुत बड़ी है, सबका फैसला वो करती है. मैडम बातों से और दलीलों से कोई चुन के नहीं आता ना, आपका कुछ पर्सनल एजेंडा होगा ना, दलीलों से तो नहीं हो सकता ना. क्या पब्लिक है, पब्लिक सभी के लिए है, लेकिन आपका ऐसा स्पेशल क्या रहेगा महिलाओं को लेके, युवाओं को लेके, कि पब्लिक आपको पसंद करे और आपको चुन के दे? पहली बात, महिला किसी से कम नहीं है. महिला को 51% आरक्षण मिला हुआ है, आप भूल रहे इस बात को. मैं करेक्शन कर दूं आपको जी, 51% महिला को आरक्षण मिला हुआ है. करेक्शन कर दूं आपको, 51 है ना, 50 है का, सॉरी माझा चुकला. ठीक है ठीक है, सॉरी 50% दिया है, इसलिए मैं लाइटली बोल रहा था, करेक्शन कर लीजिए आप. चुकला. ठीक है बोलिए. इलेक्शन जवळ आहे ना म्हणून जास्त जाईल मी पुढे. ठीक आहे मॅडम, मुद्दे पे बात करे, बहुत लोगों से अभी चर्चा करनी है, मुद्दे पे बात करे, क्या है एजेंडा आपका बताइए हमें शॉर्ट. अभी ऐसा है कि लेडीज किसी से कम नहीं है, खुला गट हो, खुली महिला हो, और युवा जो है वो सक्षम है. पहले के जमाने में टीवी नहीं था, टेलीफोन नहीं था. करेक्शन कर दू आपका एजेंडा बताइए, टीवी और ये अपने ये नहीं सुनना है हमें, एजेंडा बताइए आपका क्या. एजेंडा ये है कि आज का जो युवा संघ है वो सक्षम है, बंद कमरे में उनको क्या करना है ये समझता है, किसी को उनको गाइड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम वो समझते हैं कि हमें क्या करना है. ठीक है, हम आपसे बात करेंगे, आप अपने स्थान पे आइए. युवा से भी हमारे साथ लोग हैं. सर आप सेना से, आई थिंक सेना से आपने टिकट मांगा है, क्या लगता है? सर्वप्रथम मी 2-3 प्रश्नांचे उत्तर देऊ इच्छितो. सन्माननीय प्रदीप जी दंदे यांनी म्हटलं होतं की बा युवा न्यू कमर सर एक मिनिट जे काय करू शकतात काय नाही, तर सर शिकतील, शिकतील, तुमच्या सानिध्यात घडतील, बरोबर. आणि दुसरं असं ताईंनी म्हटलं होतं की बा सभागृहात त्यांना बोलू दिले जात नाही, बरोबर. तर माझा असा प्रश्न आहे की सत्ता त्यांची होती, महापालिकेमध्ये सत्ता आपली होती, तर आपल्याच उमेदवार जो निवडून दिला गेला होता त्याला सभागृहात का बोलू दिलं जात नव्हतं? सवाल मुद्दे काय, कंटिन्यू करिए, बरोबर आहे. आता या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनीच द्यावं. आपका एजेंडा बताइए, मैं उनसे पूछ लूंगा आपका. आपका एजेंडा बताइए, क्या लगता है आपको इतने भारी दिग्गजों में, आप क्या इनको इन रेस में क्या लगता है, कहां पाते अपने आपको? जनता जनार्दन, जनता जनार्दन सर्वस्वी निर्णय घेण्यासाठी सक्षम आहेत, ते अनालिसिस जरूर करतील, त्यांचे काम पाहतील, त्यांच्या कामाच्या जोरावरच जनता निवडून देईल. चला नगरसेवक की एक परिभाषा छोड़ दीजिए, आप मुझे बता दिए नगर सेवक की परिभाषा क्या है ये मुझे आप बता दीजिए, क्या क्या नगर सेवक का कर्तव्य और दायित्व क्या है ये मुझे आप बता दीजिए एक शॉर्ट. नगर सेवकाचं कर्तव्य आता प्रभाग मोठा झाला त्याच्यामुळे नुसतं रस्ते नाल्या साफसफाई याच्याकडे याच्या पलीकडेही काहीतरी गेलं पाहिजे. युवासाठी रोजगार, रोजगार आपण प्रभागाची निवडणूक लढत आहे, युवासाठी आपण रोजगार कसे काय निर्माण करू शकू इथं? प्रभागाचा एक नगरसेवक जर का युवकांसाठी रोजगार निर्मिती करू शकत असेल तर मग तर बा काय आता बोलायला काही प्रश्न नाही, म्हणजे उत्तर नाही उरलं. स्थानिक मुद्द्यांना हात घालणारा नगरसेवक असावा, जनतेच्या कामाशी नाळ जुळलेला नगरसेवक असावा, जो जनतेस इझिली अवेलेबल, म्हणजे प्रत्येकाला असं आपुलकीचा त्याच्या घरी आपण जल्दी. हा बिलकुल बिलकुल, वो करना चाहते हैं. ठीक है, हम आपसे बात करेंगे. काले मैडम आइए, अभी महिलाओं का आवाज कहीं ना कहीं हाउस में दबा दिया जाता है ऐसा भी आरोप लगा है, और सेना के जो युवा थे उन्होंने कहा था कि जब सत्ता आपकी है तो फिर आपका आवाज क्यों दबा गया है. और फर्स्ट लेडी जो मेयर यहाँ की रही वंदना था कंगाले, वो भी मेयर रह चुकी, उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए,
क्या लगता है आपको, आप भी इलेक्शन में अपना जोर आजमा रही है, क्या लगता है? पहले तुम्ही हे सांगते कि प्रत्येक पार्टी ने आपल्या एकमेकावर आरोप केल्यापेक्षा प्रत्येक पार्टी आपण मजबूत आहे हे मान्य करून घेतलं पाहिजे. आणि महिलांच्या बाबतीत म्हणजे उमेदवारी मी याच्यासाठी मागत आहे की बा महिला एक सक्षम आहे आणि महिलांसाठी जे काही सरकारी योजना वगैरे त्याच्याकडे माझं विशेष लक्ष राहील. आणि महानगरपालिकेत मी गेल्यावर ते जे कला मला करायचं आहे ते मी करूनच दाखवेन. देखो अगर बीजेपी सेना की युति होती है और कहीं ना कहीं आपका टिकट कटता है, क्या करेंगे आप? अपक्ष लड़ेंगे, दावेदारी करेंगे या पार्टी आपको खुद टिकट देगा? बीजेपी पार्टी तो पार्टी को देना ही पड़ेगा. पार्टी को देना ही पड़ेगा. पार्टी तो देंगे. आप बेस्ट मानती है आपको इस बार? ठीक है, हम आपसे बात करेंगे. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार से स्वागत है. आज हमें महेंद्र कॉलोनी प्रभाग क्रमांक 5 में बहुत खींचातानी का यहाँ पे दौर चल रहा है. आरोप प्रत्यारोप में ये आज की नुक्कड़ यहाँ लगी हुई है. बहुत से प्रत्यक्षियों से हमने चर्चा की है और चर्चा से उनका क्या आउटपुट है, वो क्या सेवा करना चाहती है जनता की, वो भी यहाँ की जनता सुन रही है. जनता के सवाल भी हम उन्हीं से पूछेंगे, उनके डायरेक्ट सवाल हम उन्हीं से पूछेंगे. कृपया जनता थोड़ी शांति बनाए रखे. ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे अभी तक हमने बात नहीं की है. उमंग जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, इधर आइए. नमस्कार सर. सर्वप्रथम मैं एशियन चैनल हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. प्रभाग क्रमांक 5 च्या वतीने या ठिकाणी मी गेल्या 10 वर्षापासून पतंजलीचं काम करतो आणि युवाच्या बाबतीत माझा असा एक एजेंडा आहे की गेल्या 70 वर्षापासून भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आम्ही पहिले सर्वप्रथम तुम्हाला प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो. गेल्या 70 वर्षामध्ये प्रजासत्ताक आपला 70 वर्ष झाल्यानंतर आपल्या इथे स्वतंत्र झाल्यानंतर 65 वर्षापर्यंत आज काँग्रेसने आपल्या इथे सरकारने स्थापना झाल्यानंतर बरेचसे कार्य केले आहेत, परंतु कितीतरी घोटाळे झाले आहेत. आता गेल्या 5 वर्षापासून बीजेपी सरकार आल्यानंतर आपल्या इथे किती घोटाळे थांबले गेलेत याचा आपण सर्वे जर केला तर बरंच आपला विचार येईल की आज युवक हा वरती आलेला आहे आणि युवकांना मजबूती मिळाली आहे. आणि आजचा जर नेटवर्कचा विचार केला तर प्रत्येक व्यक्ती हा युवक जरी असेल तर युवक हा मागच्या आपण जर म्हटलं तर ते व्यक्ती आज करस्पॉन्डिंग करत असताना पत्र व्यवहारचा नाही होता, नेटवर्किंग जास्त चालतं आहे आणि नेटच्या माध्यमातून सायबर कॅफेच्या माध्यमातून बरेचसे कार्यक्रम कार्य होऊ शकते. युवकांना जर विचार केला तर तरुणांसाठी बरेचसा रोजगार उपलब्ध होऊ शकते. माझा एक एजेंडा असा राहील या ठिकाणी की आपल्या इथे रोड रस्ते नाले हा जर विकास जर होत असेल तर विकास झालेला आहे. पण गेल्या 10 वर्षापासून मी पाहिलेला आहे की आजपर्यंत गेल्या 10 वर्षापासून कोणते आपल्या नगराला जोडलेले 3 नाले आहेत, तीनही नाल्याचा आजपर्यंत विकास झालेला नाही किंवा रोज त्यांचा साफसफाई झालेली नाही. कोणाला जर प्रश्न विचारला नगरसेवकाला तर म्हणते आमचे टेंडर निघालं नाही, टेंडर पास झालं नाही, त्यामुळे एवढा मोठा नाला आम्ही साफ करू शकत नाही. सर्व्हिस घडल्या जरी पाहिलं तर तुडुंब भरलेलं या ठिकाणी सर्व्हिस घडले आहे. मी मागच्या 7,000 लोकांपर्यंत जोडलेला आहो. माझा हाच विचार आहे की जर समजून घ्या रस्ते नाला विकास हा जो विकास असेल त्याच्या पलीकडे युवकांसाठी केलेला रोजगार आज आपण विचार करतो म्हटलं तर प्रभागामध्ये बरेचसे लोक पोलीसमध्ये आहेत, स्थानिक लेवलमध्ये आहेत, क्लरिकल जॉबमध्ये आहे, परंतु आजही एमपीएससी यूपीएससी आयएससी अकॅडमीमध्ये करणारे युक्ती आहेत. या लोकांचं मार्गदर्शन जर आपण करतो म्हटलं तर या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन क्लासेस सुद्धा लावता येईल. शिक्षक को कहीं ना कहीं प्राधान्य देंगे आप ये भाई साहब यहाँ खड़े हुए. मैं बोले पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ पढ़े लिखे ना हो तो आज मैं पढ़ना कब चाहोगे? मेरी ये कहना इच्छा है कि आज अगर पढ़ना है तो युवकों को पहले बेरोजगारी से दूर करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा और युवकों को बढ़ाना पड़ेगा. इनको अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपन तो बढ़ेंगे और अपना युवा मजबूत होगा और खुद स्वावलंबी बनेगा. आज स्वावलंबी के हिसाब से करना मेरे कोशिश करना चाह रही है. मैं ये चाहता हूँ कि आने वाला दौर इतना अच्छा है कि युवकों का जब भाई साहब ने बोला मैं तो बोलता हूँ 60% नहीं 80% युवक पे भरोसे पे मुझे साहब बोलते हैं कि 100% युवक यहाँ पे अपने आप है जिसका देश मोदी देखिए जिसका देश है. मैं आपको करेक्ट कर दूं, प्रभाग में कोई समस्या हो तो मोदी जी नहीं आएंगे सॉल्व करने, आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो स्थानिक लेवल के मुद्दे पे अपन चर्चा करें तो बेटर रहेगा. जिसका देश है आज युवकों का देश है, युवकों का बना हुआ देश है. मैं ये चाहता हूँ कि युवक अगर आएंगे तो युवक का लिए घोषणा करने की कोशिश करेगा और युवक बनेगा तो आज अपने आप वृद्ध पीढ़ी जो है वो भी बनेंगे, उनको भी बनाने की कोशिश करना चाहिए. मैं यही चाहूंगा, गुजारिश करूंगा सबको कि यहाँ पे आने वाला युवक मजबूत बनना चाहिए, इसलिए युवक ने वहां पे जाना चाहिए. और मैं भी आता हूँ तो परिवर्तन देश में चाहिए, प्रभाग में भी परिवर्तन चाहिए. परिवर्तन आना यही चाहूंगा कि मैं परिवर्तन अगर आएगा तो अपना विकास होगा, प्रभाग का विकास होगा तो देश का विकास होगा, दिशा देश का विकास होगा, जनता का विकास होगा. विषय में भरेंगे अपन.
मोदी जी के बारे में भी बात करेंगे, युवाओं के बारे में भी मानकर जी से हमने अभी पूछा था, तो युवाओं भी संसद में सोते हैं ऐसा आरोप भी मानकर साहब ने लगाया था। आप रह चुके हैं साहब, आप आइए इधर। साहब क्या लगता है, युवाओं की बात चल रही है, शिक्षा को लेकर चल रहा है, साफ सफाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इन इन घमासान में न्यू कमर्स का भी बोलते हैं कि न्यू कमर्स भी अगर आते हैं तो उनको समय लगेगा चूज के लिए, क्या लगता है? मी प्रभाग क्रमांक 5 मधून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढणार आहे। तर युवाच्या गोष्टीत जे बोलणे आहे, जे माझे सन्माननीय दंडे साहेब आहे, रेवस्कर भाऊ आहे, तर युवा कुठेतरी चान्स दिला पाहिजे। आणि हे म्हणते भ्रष्टाचार निवून आला, काँग्रेसच्या जमान्यातही भ्रष्टाचार आहे, बीजेपीच्या जमान्यातही भ्रष्टाचार आहे, याचे सबूत आहे। आता हे सभागृहात ये बाद में हम चैनल के थ्रू भी दिखाएंगे, आप बात करिए, हम आपसे क्लियरिफिकेशन लेंगे हम लोग इनसे। बिल्कुल, हाँ बैठेंगे। गरीबाच्या पुरीचं लग्न 2.5 लाख, आणि अरुण जेटलीच्या पुरीचं लग्न नितीन गडकरी। नाही, सांगून राहिलो। नितीन गडकरीच्या लग्नात, नितीन गडकरीच्या पुरीच्या लग्नात चार्टर प्लेन 2.5 लाखात येते का? 2.5 लाखात येते का चार्टर प्लेन? काँग्रेसच्या जमान्यात थेट। आता एक भ्रष्टाचार झाला इथं, विद्यमान जे नगरसेवक आहे, त्याच्यात एक भ्रष्टाचार झाला, पुरे नगरसेवक तिथं गोल्डन गँग आहे। मी नाव कोणाचं घेऊन नाही राहिलो। मी नाव कोणाचं घेऊन राहिलो। मणिपूर लेआउट मध्ये 47,000 स्क्वेअर फूट जागा एका परिवाराला देण्यात आली, तुम्ही नव्हते का? मी मला माफ करून द्या, मी माझे शब्द जर होत असेल तर हे सांगतो, तुम्हाला ज्यांच्यावर आरोप करायचे असेल त्यांच्या वैयक्तिक, मी सभागृहात होतो म्हणजे त्यांनी जे सभा, त्यांनी जर त्या ठिकाणी व्यायामशाळा व अन्य काहीसाठी जर जागा मागितली असेल तर प्रथा तिथं अशी आहे, प्रथा अशी आहे का, ज्या भागातला नगरसेवक असेल त्यांना तिथे जर मागणी केलेली असेल, त्याचं पत्र असेल, तर ती त्या तिथं दिल्या जाते, त्याच्यामुळे सर्व नगरसेवकांनी त्याच्यात लुळबुळ करण्याचं काम नसतं। आणि म्हणून मग तुम्ही सर्वांवर आरोप करू नका। मदात यांना, तुम्ही माझा मदात यांनाही बोललो होतो की टॉयलेट घोटाळ्या संदर्भात म्हटलं तुम्ही, टॉयलेट घोटाळ्या संदर्भात म्हटलं, मी सभागृहात होतो तेव्हा मी म्हटलं की टॉयलेट हे 3 लाखाचं आणि गरीबाचं शौचालय 12,000 कसं होणार आहे? आणि म्हणून आम्ही आंदोलन केलं होतं, रस्त्यावर मुलांना आगायला बसवलं आणि त्यांना सांगितलं होतं की आम्हाला 50,000 द्या, नंतर सरकारनं 5,000 वाढवून दिले। पण सांगायचा मुद्दा का, तुम्ही सर्वांवर आरोप करू नका। ठीक आहे, सर्वांवर आरोप नाही करू नका, आप कंटिन्यू रखिए, चान्स दिया जाएगा, बोलिए। मी हेच म्हणून, मी कोणावर आरोप करून नाही राहिलो, फक्त काय, जिथं जे सध्याचे जे नगरसेवक होते त्यांनी हा विषय थोडासा सांभाळायचा होता। 13व्या वित्त आयोगाचा 22 लाख लागले। मैं आपको एक करेक्शन कर दूं, आप यहाँ त्रुटि गिनाने के लिए कि अपना परिचय देने के लिए? परिचय दिला, मी अपक्ष म्हणून उभा राहणार। आप अपना परिचय दीजिए और आपकी योजनाएं बताएं, क्यों आप आना चाहते हैं? अगर ऐसा, अपने पास समय कम है, समय की कमी है, सभी को चांस देना है, कम से कम 50 से 75 प्रत्याशी इस प्रभाग में, अगर ऐसी करते रहेंगे तो अपना जो एजेंडा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। आप अपना एजेंडा पहुंचाइए ना लोगों तक। साफ सफाई जब बाबतीत बोलना, बोलिए, साफ सफाई जब बाबतीत जो ठेकेदार है त्याचा पैसा, जे साफसफाईचे कर्मचारी आहेत त्याचा पैसा जर बँकेतून निघाला तर भ्रष्टाचार थोडाफार कमी होईल। जे 250 रुपये रोज आहे, जे समजा, मी हे नाही म्हणणार, आरोप नाही करून राहिलो, जे कमी पैसे दिले जातात आणि त्याचं कमिशन कुठं जाते हे तो सांगायला पाहिजे। बरोबर, हे कमिशन, आणि त्या मजुराचे जर पैसे, जे साफसफाई कर्मचारी आहेत त्या मजुराचे जर पैसे बँकेतून झाले तर थोडा भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं रोकना आप भी चाहते हैं, ठीक है। और कोई मुद्दा है, हम आपको बुलाएंगे। सब आप बहुत देर से आइए इधर। सर्वप्रथम मी या संभ्य उमेदवार, या नगरातली माजी नगरसेवक, आजी नगरसेवक, आमचे संभ्य सर्व पक्षाचे संभ्य उमेदवार, इथे बसलेल्या माझ्या आई बहिणी,
आणि सिटी चॅनलचे मी आभार व्यक्त करतो आणि सर्वांचे प्रथम स्वागत करतो. मी माझा परिचय देण्याची तुम्हाला गरज नाही, कारण मी या शिवसेना प्रभागाचा 27 वर्ष झाला शिवसेना प्रभाग प्रमुख म्हणून काम करतोय. आत्ताच आमची थोडा वेळापूर्वी युतीची चर्चा चालू झाली, मी माझ्या मिशनला त्याचसाठी पाठवलं, आम्हाला आमंत्रण आलं युतीच्या चर्चेसाठी. एक प्रभाग प्रमुख म्हणून मी आता इथं नसल्यामुळे मी माझ्या मिशेसला सन्मानी असून साहेबाकडे युतीसाठी चर्चेसाठी पाठवलेला आहे. मी आणि माझ्या पत्नीसाठी शिवसेनेची उमेदवारी शिवसेनेला मागितलेली आहे. मी अमरावती महानगरपालिकेत गेल्यावर काय करणार आहे हे सांगण्याची मला गरज नाही. मी आजपर्यंत ज्या फ्रीमायशेसमध्ये तहसील फ्रीमायशेसमध्ये काम करतोय 25-30 वर्षापासून, एक मी सुशिक्षित बेरोजगार आहे, मी गोरगरिबाचे काम केलेले आहेत. यानंतर आज आमचा युतीचा प्रस्ताव आहे, युती झाली तरी शिवसेनेचा महापौर बसल, युती नाही झाली तरी शिवसेनेचा महापौर बसल. राहला प्रश्न राहुल गांधीचा, बच्चा समज के कंधे पे लिया तो कान पे मुक्ता हो, राहला तो जाऊ दे. आम्हाला आमचा विरोधक खरा विरोधक या निवडणुकीमध्ये महानगरपालिकेच्या स्थानिक निवडणुकीमध्ये काँग्रेस हार आहे. आमचा मित्रपक्ष हा भाजपा, युती झाली तरी शिवसेनेची सत्ता येईल, शिवसेनेचा महापौर बसल. भाजपाची भाजपा शिवसेनेची युती झाली तरी शिवसेनेचा उमेदवार बसल, म्हणजे महापौर बसल. समजा मला पक्षानं मी आणि माझी पत्नी पक्षाचं तिकीटासाठी जर लायबल वाटलो नाही, जर माझी युती झाली किंवा युती झाल्यानंतर माझ्या तिकिटा कापल्या गेल्या, तर मी शिवसेना पक्षप्रमुख सन्मान्य उद्धव साहेब जो भी शिवसेनेचा उमेदवार देईल त्यासाठी शिवसैनिक म्हणून या प्रभागातून जनतेसाठी तत्पर राहील. त्यानंतर या प्रभागामध्ये शिवसेनेचे चारही नगरसेवक निवडून येतील, युती झाली नाही तर नाही, युती झाली तर दोन भाजपा आणि दोन सेनेचे नगरसेवक निवडून येतील. आणि बंधू मी तुम्हाला सांगून देतोय, मी या प्रभागाचा जबाबदार प्रभाग प्रमुख म्हणून शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर कोणताही नगरसेवक दिगंबर मानकर निवडून येऊ अधिक कोणी निवडून येऊ, मी या प्रभागाचा प्रभाग प्रमुख म्हणून या प्रभागात राहिलेल्या त्रुटीच्या कामासाठी तुमच्या सोबत येऊन त्याच्या घरासमोर ताशे वाजवणार आहे आणि ते तुमच्या मदतीनं काम करून घेईल. शिवसेना कोणत्याही कामामध्ये कसर ठेवणार नाही. साहब मुझे एक बात बताइए, आप बोल रही है अगर शिवसेना आपको टिकट देती है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे, वरना शिवसेना जिसको रिलायबल समझे तो फिर आप सक्षम नहीं है क्या काम करने? नहीं नहीं, मैं सक्षम हूँ. हमारे पक्ष में नियम चलते ये चलते, क्यों ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर हूँ, मेरे से भी कुछ सीनियर लोग है, कुछ जूनियर लोग. अनुभव की है ना साहब, हो सकता है अनुभव की कमी बराबर है, मैं भी लेकिन कट जाए. नहीं नहीं नहीं, मैं भी 2000 में मेरी मिशन चुनाव में खड़ी थी, नहीं मेरे को पक्ष ने टिकट दिया, अब पक्ष ने मेरे को टिकट नहीं दिया. हमारे सम्माननीय पक्ष प्रमुख का आदेश चलता, अगर जो पक्ष ने टिकट भी नहीं दिया तो जो भी युति में उम्मीदवार दिए जाएंगे या युति नहीं होगी. साहब मुझे एक बताइए, आप सक्षम है पढ़े? मैं खुद ही सक्षम हूँ. ये पार्टी की बैसाखी की जरूरत क्यों है आपको, वैसे भी लड़ सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते ना. अगर मैं नहीं लाइबल लगा तो पार्टी को, मैं पार्टी को अगर जो लाइबल नहीं रखता है, मेरे से और कोई शिवसेना में टिकट मांगने वाले उम्मीदवार मत तो आप उसको चांस देंगे, आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे? के लिए चांस दूंगा, अगले साल मेरे बच्चे के लिए टिकट मांगूंगा. ठीक है, यानी आप टिकट मांगते रहिए, बैठिए हम बात करते. हमारे पास कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं, आप आइए, आप भी उम्मीदवार हैं. क्या लगता है, अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देंगी तो भी आप कांग्रेस की मदद करेंगे या अपक्ष खड़े रहेंगे? ये तो साहब का बोलना है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो पक्ष प्रमुख जो आदेश देगा उनके लिए पूर्व दिशा रहेगा. आपको क्या लगता है, आपका वनखोरी करेगा अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो? मेरे को टिकट नहीं, आगे लीजिए. हेलो, मेरे को अगर टिकट नहीं देते कांग्रेस तो मैं कांग्रेस का ही काम करूंगा, राव साहब को और मजबूत करूंगा. राव साहब जी से एक समझ में नहीं आता, आप लोग बोलते हैं, मैं सभी से एक सवाल करना चाहता हूं. आप लोग बोलते हैं साहब, आप लोग बोलते हैं कि हम सक्षम है, फिर आप सक्षम है तो फिर आपको पार्टी चिन्ह की जरूरत क्यों पड़ती है? पहले तो मैं ऊपर लीजिए. हेलो, मैं पहले तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ सबसे पहले, और कांग्रेस पार्टी में मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ. हाँ. तो मैं कांग्रेस से ही जुड़ा हूँ और कांग्रेस के साथ में जो निर्णय करेंगे राव साहब उस पर मेरे को पूरा भरोसा है और उनके भरोसे पे मैं ये कायम रहूंगा. कायम रहेंगे. हर कोई टिकट की होड़ में लगा है, अगर टिकट पार्टी टिकट देती है, पार्टी अगर टिकट देते है तो इलेक्शन लड़ेंगे, वरना इलेक्शन नहीं लड़ेंगे. मुद्दे और है, उसके बाद हम डायरेक्ट जनता के सवाल किसी से ना पूछे, जनता के सवाल इन उम्मीदवारों से अपन जानना चाहेंगे. कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.
सिटी न्यूज देख रहे हैं दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें प्रभाग क्रमांक 5 महेंद्र कॉलोनी में बहुत सारे जनताओं के भी यहाँ सवाल है। हमने ब्रेक पे जाने से पहले सभी के आचार विचार का प्रदान सभी ने यहाँ अपने 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 अंदाज में किया। सबको जो है टिकट चाहिए, अगर टिकट नहीं है पक्ष जो कहेगा वही उनका निर्णय रहेगा। कोई भी यानी पक्ष के विरुद्ध में जाके कोई भी इलेक्शन लड़ने यानी कहीं ना कहीं मेरा सभी से एक एक जाहिर एक सवाल मैं यहाँ करता हूँ कि कोई भी ऐसा सक्षम नहीं है जो कहे कि मैं खुद पार्टी को त्याग करता हूँ और मैं खुद सेल्फ अपक्ष में इलेक्शन लड़ूंगा। मैं अब डायरेक्ट जनता में आता हूँ, अगर किसी को सवाल पूछना है व्यक्तिगत किसी पे कोई ना करे, शब्दों का सही प्रयोग करे और जिसको भी सवाल करना है एक एक करके इधर आइए। सर्व नगरवासी आपण सर्व इथं मतदार म्हणून इथे आता सर्वांचे इथे जे बसले आहे त्यांचे तुम्ही भाग्यदाता आणि त्यांचे विधाता आहे। मैं लेता हूं सभी को लेता मी माझा सर्वांना मी माझा परिचय देतो। मी भास्कर वामनराव रिठे राहणार लक्ष्मीनगर। या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाकडनं माझी पत्नी सौ संगीताताई भास्कर रिठे ह्या काँग्रेस पक्षाकडनं उभ्या राहणार आहेत। तरी ह्या यांनी आम्ही उमेदवारी मागली आहे आणि शक्यतो मिळण्याची शक्यता पण आहे। म्हणून आम्ही परिचय करून देतो आणि कामाचं स्वरूप मी तुम्हाला सर्वांना माझं जे करायचं आहे आणि माझ्यासोबत जे येणारे चार नगरसेवक राहतील त्यांचं कसं असावं ते कोणत्याही पक्षाचं असो मी आपल्या सर्वांच्या एक मिनिट आपसे पूछ लू। मैंने कहा जनता में से कोई इनसे सवाल करना चाहे तो कर सकता। आपने पूरा यहाँ लाके एनालाइज कर दिया। हम उनको चांस देने हैं, बहुत लोग बाकी है तो मैं सिर्फ आप सवाल कीजिए। ये जनता जानना चाहे, जनता सिर्फ सवाल करना चाहती है। बाकी उनका प्रेजेंटेशन वो खुद देंगे ना साहब। एक मिनट चैनल मला काय म्हणत आहे चैनल वाल्याचं एक मिनट चैनल वाल्यांचं जे आपलं जे विषांतर होऊन आलं एक विषांतर जे होऊन झालं त्याच्याकरता मी आपल्या प्रभागाचे प्रश्न एक मिनिट आपल्या प्रभागाचे जे प्रश्न आहे हे बघा मी एक मतदार आहे इथला नगरवासी आहे त्या नात्याने मी आपल्या प्रभागाचे प्रश्न मांडतो त्याच्यानंतर हे चॅनल वाले त्याच्यावर उत्तर देतील त्याच्यानुसार आपले सर्व नगरसेवक उत्तर देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। मैंने आपसे कहा था आप प्रश्न पूछिए आपने आके साहब आप आइए। इलेक्शन आ रहा है देखा तना तनी का माहौल है क्या लगता है आपका प्रेजेंटेशन दीजिए क्या क्या सोचते हैं आप किस नजर अविनाश गोपालराव पारडे ऊपर लीजिए अविनाश गोपालराव पारडे काँग्रेस तर्फे मागत है एसटी प्रभागातून मला हे सांगायचं आहे कि आपल्या नगरात विकास 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 जे नगरसेवक सांगून राहिले आतापर्यंत सांगून राहिले त्यांनी कोणता विकास केला हा जे आता राहून राहिले नवीन नगरसेवक आहे आपल्या प्रभागात नवीन भाग जुळला गेला त्यांचा त्यांच्या एरियातले रोड पहा रोड नाले रस्ते जर हा जर विकास असत तर हा विकास काय कामाचा दाखवून देतो मी ते झोपडपट्टी बसून ठेवली एवढी मोठी ते बसून ठेवलं काय कामाचं आहे अरे आम्हालाही काहीतरी त्रास होते त्याचा झोपडपट्टी काही ना काही बसे तो गरीबी अपना पूर्ण निर्माण ठीक आहे ना हो बरोबर आहे तिथंच विकास झाला पाहिजे काय मग बाकीचे ठिकाणी विकास झाला पाहिजे ना यानी आप किस पे आरोप लगा रहे सब चीजों को लेके गरीबी रह रहे वहां अगर अतिक्रमण किया है जहां अतिक्रम हुआ है ऑफिस में गरीब लोग रहे ऐसा कोई है क्या किसी का फ्लैट है और उसने किसी का फ्लैट प्लाट है उसपे अगर जबरदस्ती आप बिठा रहे हैं उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं तो क्या ये नगर सेवक का काम है क्या वो आपका प्लॉट था क्या ऐसी नहीं, किसकी नहीं, देखो गौर्मेंट, उसकी तकलीफ सब नगरवासियों को है सब प्रभाग को है उसकी तकलीफ है कि नहीं है लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ अरे युवाओं का आवाज दबाया जाता है यहाँ पे उनके लिए टिकट मांगने के लिए भी गए तो उनके लिए उनको ऊपर से प्रेशर डाल के ये सब करना आप नहीं समझ रहे मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं मैं आपसे ये कह रहा हूँ अगर वहाँ पे अतिक्रमण हुआ है तो कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ ने अतिक्रमण किया क्या जिसका फ्लैट है 2 BHK का और उसने वहाँ जगह रोक के रखा है या किसी गरीब ने रोका है ये बताइए आप मुझे। अरे भैया वो गरीब की कुछ रहो लेकिन वो एक अतिक्रमण हुआ है ना प्रॉपर्टी किसके गवर्नमेंट की है नहीं निजी प्रॉपर्टी है कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है वो तो आपको मैं इलेक्शन का एजेंडा बताइए अपन इससे दूर अपन वार्ड में चल रहे हैं एजेंडा बताइए आपका यानी ट्रैक से मत छोड़िए ना नहीं, 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 टाइप का हो रहा मैं तो बता रहा कि हमारे प्रभाग में वो समस्या है एक वो समस्या ही है ना ठीक है वो समस्या है हमारे प्रभाग की क्या लगता है अपन हमारे प्रभाग में नाले नहीं है नाले की गंदगी है साफ सफाई नहीं है कौन से पक्ष का टिकट मैं कांग्रेस से मांगा कांग्रेस से क्या लगता है कांग्रेस टिकट देंगी आपको कांग्रेस टिकट देंगी नहीं देंगी तो भी अपन लड़ेंगे कैटेगरी में मांगा है एससी में एससी में मांगा क्या बोलता लगता है कांग्रेस टिकट देंगी लगता है 90% आशा है आपको टिकट मिलना चाहिए।
एक महिला उम्मीदवार भी है जिनका साक्षात्कार रहना बाकी है। मैडम आप आइए, कौन से पार्टी से टिकट आपने मांगा है बताइए। नमस्ते, मैं गीता कमला प्रसाद पूर्वी, प्रभाग क्रमांक 5। मैडम ऐसा लीजिए, मैडम प्रभाग क्रमांक 5 से महेंद्र कॉलोनी से मैं खड़ी हो रही हूँ। मैं ये नगर के विकास के लिए खड़ी हो रही हूँ। जो नगर का विकास करना है काम महानगर पालिका में, जो जेंट्स लेडीज खड़ी होती है उनके हस्बैंड जाके वहाँ पे काम करते हैं, मैं वो काम नहीं करूँगी। मैं स्वतः अपना काम खुद करूँगी, क्योंकि महानगर पालिका के काम से यहाँ पे बिना साफ सफाई से मेरी 15 वर्ष की बच्ची डेंगू ताप से चले गई है। फिर भी मैं नालियाँ की मैं खुद स्वतः साफ करती हूँ, सड़क मैं खुद झाड़ती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज मेरी 10वीं की बच्ची यहाँ से चले गई। तो मेरे को बहुत दुख होता है कि मैं ये नगर के लिए कुछ काम करूँ, कुछ साफ सफाई करूँ और सेवा करूँ लोगों की। फिर भी मैं नागरिकों से निवेदन करती हूँ कि आपको जो उम्मीदवार अच्छा लगे आप उसे अपने मतों से विजय करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अपक्ष लड़ रही हूँ और मेरे को पहली बार यहाँ पे चांस मिला है लड़ने का। बस मैं इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं बोल सकती हूँ। धन्यवाद। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना से भी एक प्रत्याशी हमारे सामने है। मैडम क्या एजेंडा है राज साहब का, क्या 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 टिकट के बारे में, क्या है कितनी पार्टियों पे कितनी सीटों पे मन से इलेक्शन लड़ने वाली है, क्या जानकारी है? मी माझं नाव सुनीता ज्ञानेश्वर भोयर आहे, मी महेंद्र कॉलनी इथे 5 मध्ये उभी आहे। थोडं नजदीक लीजिए। 5 मध्ये उभी आहे ओपन मध्ये। मला असं वाटते मनसे यायला पाहिजे, प्रत्येक म्हणजे खूप वेळा आले नाही मनसे, कहीं ना कहीं क्रेज तो कम हो गया है। मुंबई में भी नहीं, अभी इतनी सीटें नहीं आ पाई, उनकी आमदार भी नहीं आ पाए। क्या लगता है अमरावती में कुछ कर पाएंगे आप? 2-4 सीटों पे आप लड़ रहे हो यहाँ पे। हाँ ऐसा लग रहा है हमको कि मन से आने को होना अमरावती शहर में। ठीक है, देखिए सीधे चलते हैं। हमारे जनता की फरमाइश है कि वो डायरेक्ट जो प्रत्यक्षी है उनसे खुद सवाल करना चाहिए। मैं एक एक करके सभी के पास आता हूँ, एक एक करके मैं सभी के पास आता हूँ। एक उम्मीदवार कहीं ना कहीं हमारे फिर से रह गए, तो उनसे मैं आपके पास पहले आऊंगा साहब, आप रुकिए। बिल्कुल दीजिए अपना परिचय। हेलो, माझं नाव रवि नवनाथराव नवले, महेंद्र कॉलनी प्रभाग 5 मधून मी यावेळेस निवडणूक लढवत आहे। निवडणूक लढवणं म्हणजे हा फक्त आज घराणेशाही आणि या घराणेशाहीची पद्धत या निवडणुकीमध्ये राजकारणामध्ये आलेली आहे। 5-5 वर्ष 10-10 वर्ष सत्ता भोगणी, त्यांना असं वाटतंय की नवीन माणसांना चांगलं दिलं नाही पाहिजे, आपल्याच घरात ही सत्ता आली पाहिजे, आपल्या जाऊन सत्ता आली पाहिजे आणि नवीन माणसांना सुद्धा एकदा चान्स द्या। त्यांच्या सुद्धा मनात काही ना काही करण्याची इच्छा आहे। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून रस्ते बांधणे, नाला बांधणे किंवा घरकुल योजना, संडास योजना, जो काही योजना असतील ह्याच फक्त महानगरपालिके थ्रू करतात, नगरसेवक करतात, पण याच्या व्यतिरिक्त आणखी नगरसेवक हा सुद्धा काहीतरी करू शकतो। आज सगळ्यांनी जेवढे माझे ज्येष्ठ जे मातृतुल्य पितृतुल्य जेवढेही नगरसेवक इथे झालेले आहेत, मला त्यांच्याशी एक चांगली शिकवण मिळाली की त्यांनी काही नाही केलं, पण त्यांच्यापेक्षाही सुद्धा मला काहीतरी सरस करायचं आहे। त्या सरस करण्यासाठी जनतेने युवकांना चान्स द्यावा, कारण युवक असं आहे आज जर कोणतीही जर बाजू जर सांभाळायची असेल, आज स्पोर्ट डिपार्टमेंट असो, त्यानंतर मिलिटरी डिपार्टमेंट असो, पोलीस डिपार्टमेंट असो, तर तिथे सिलेक्शन युवांचं केलं जातं। त्यामुळे युवांना चान्स द्या, युवांना चान्स दिला नाही तर त्याच्या मनात काय, आज सगळे जे आहेत नगरसेवक जे आहेत ते फक्त त्यांच्या जे एज आहे त्या एजनुसार ते विचार करतात। आज कोणीतरी असा विचार केला का आज आपला हा प्रभाग 23,000 मतदारांचा प्रभाग आहे, पण असा तरी कोणत्या तरी उमेदवाराने किंवा कोणत्या तरी नगरसेवकाने असा 1,000-1,500 मुलांचा ग्रुप बनवला का, की त्या ग्रुपमध्ये राहून त्या मुलांना जर आपल्या एरियातल्या प्रभागातल्या जर कोणाला रक्ताची जर गरज लागत असेल तर ते रक्ताची पुरवठा तो करील, किंवा असं कोणीच नाही केलं। इलेक्शन इलेक्शन आलं की फक्त काय, तुझ्यासोबत किती पोरं रे, 15-20 पोरं, हे घे तू 5,000 घे आणि दारू घे। 25 लाख रुपये 20 लाख रुपये प्रत्येक उमेदवार खर्च करतो आणि जेव्हा मी उभं राहतो तुम्हाला भरपूर जणांनी प्रश्न केले की बा तू 25 लाख रुपये खर्च करू शकशील का? उमेदवारी लढवताना खर्च करणं हा योग्य नाही। जर तो व्यक्ती जर 25 लाख रुपये खर्च करेल तर मग तो महानगरपालिकेत आल्यानंतर काम करेल की पहिले पैसा काढेल, हा माझा सगळ्यात मोठा एक प्रश्न आहे। म्हणून मतदारांना माझी एक विनंती आहे
की कोणीही कोणातर्फे पैसे घेऊ नये. पैसे घेतल्यानंतर आपण त्याला खुल्या मनाने माझं हे काम आहे आपण म्हणू शकत नाही. त्यामुळे मतदारांना माझी विनंती आहे की कोणत्याही पार्टीचा उमेदवार असो कोणी उमेदवार असो त्यांच्याकडून कोणीही पैसे घेऊ नये. आणि राहिली गोष्ट की युवांना चॅलेंज दिल्यानंतर युवा काम करतील का? जर आम्हाला कोणती गोष्ट नाही समजली तर मुलाचं जर काही चुकलं तर आपण वडिलांना विचारतो, आम्ही त्यांना जाऊन विचारतो, पण काम करण्यात कोणती कसं राहून येणार नाही, काम करण्यात कोणती कसं राहून येणार नाही. त्यामुळे युवांना चॅलेंज द्या एवढंच मी मतदारांना विनंती करतो आणि माझे दोन शब्द संपवितो. रवीने एक विषय केलेला आहे की युवांना संधी द्या म्हणून. संधी बरोबर आहे, पण त्या सभागृहामध्ये जे प्रश्न मांडायचे ते शासन नियमानुसार कसे प्रश्न मांडता येईल हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. बरोबर. तुम्ही उमेदवार आहे, तुम्ही तिकीट मागलाय पक्षाचं का अपक्ष लढायची इच्छा आहे? मी पक्षाच्या तिकीटवर लढणार. शिवसेनेच्या. शिवसेना के बहुत सारे पार्टिसिपेट यहाँ पे. शिवसेना किस किस को टिकट देगा साहब? जो योग्य उमेदवार होगा उनको टिकट दिया जाएगा. जो योग्य रहेगा. क्या एजेंडा रहेगा आपका शिवसेना को लेके? क्या धोरण है? मेरा सबसे पहले धोरण है कि मेरा ये जो संतोषी नगर और शिवनगर का और ये पट्टा जो है ये पट्टे में बहुत सारा काम बाकी हुआ है. अच्छा. उसमें सबसे पहले ये शोभा नगर का नाला जो है. हाँ. वो नाला 1997 से लेके अभी तक सफाई नहीं हुई उसकी वाली. तो ना उसके संरक्षण भिन्न तो हुए. सबसे पहले अगर काम करना है तो उसके लिए एक नगर सेवक होना भी जरूरी नहीं है. एसडीएम के पास भी फंड हो सकता है, वो आप भी करवा सकते हैं. तो फिर आप नगर सेवक बने तो क्यों इंतजार कर? ऐसा नगर सेवक बना तो उसके पास में कुछ ना कुछ हक का रहता है कि भैया नगर सेवक के बेस पे अपन वहाँ पे जाके कुछ. आपने मुझे एक अभी मैं करेक्ट करूं कि आपने कहा कि भाई शासन में इस चीज का नियम है कि वो नियम से ही प्रश्न पूछे जाए. अगर कोई आपको फंड चाहिए यहाँ पे, अगर नाली बनी नहीं है, टूटी है, खराब है, तो पॉसिबल नहीं है कि नगर सेवक का निधि हो, आमदार का निधि हो या खासदार का निधि हो. आपको जिला अधिकारी भी निधि दे सकता है जब आपको शासन की आप बात कर रहे हो. तो फिर ये पहल पहले क्यों नहीं की आपने? नगर सेवक बनना क्यों चाहते पहले एक नाला बनाने? क्योंकि नगर सेवक से अपन सामने की जो बातें कर सकते हैं सब जो पेश कर सकते हो, नगर सेवक बनने के बाद बहुत सारा पेश कर सकते हैं. जनता के जितनी बात अपन अपनी बात वो सुन ले सकते हैं, लेकिन नगर सेवक के बाद में कम से कम उनका एक हुद्दा रहता है कि नगर सेवक है, कम से कम इनकी जो बात है उसको सुनिए. नगर सेवक को बनाने वाली भी जनता है साहब. जनता है तो जनता वो हिसाब से चुन के देती है अपने को कि भाई ये आदमी क्या कर सकता है. ठीक है, ठीक है, हम बात करेंगे. आप सवाल पूछिए. किसके लिए आपका सवाल पूछिए? मी प्राध्यापक प्रवीण देशमुख. अपना सर्वांना इथं आपण ज्या उद्देशासाठी आलेलो आहे, आपलं एक बहुमूल्य मत हे आपण 21 तारखेला देणार आहे आणि आपला प्रतिनिधी आपण आपल्याला इथून पाठवायचा आहे. तर मी या आता ही नुकडजी चर्चा आहे ही सुरुवात झाली आणि आता संपत आली. आपल्या एक गोष्ट निदर्शनास आली असेल की यांनी इथे इच्छुक उमेदवारांना बोलावलं होतं. इच्छुक उमेदवारामध्ये सर्वात महत्वाचा विषय असा आहे की मागील 5 वर्षात जे नगरसेवक ज्यांनी इथं काम केलेलं आहे त्यांनी इथं उपस्थित राहणं आवश्यक होतं. ते लोक इथं आले नाही आहे आणि मी तुम्हाला मुद्दाम त्यांच्या दोघांचं नाव असं सांगतो. अशी जशी ज्या पद्धतीनं तुम्ही हे जे चॅनलिंग करत आहे आणि अमरावती शहरामध्ये एक वातावरण निर्मिती करत आहे त्याच पद्धतीनं प्रत्येक पक्ष काम करून राहिलेला आहे. भारतीय जनता पक्षाकडून सुनील देशमुख सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचा प्रचार करत आहे आणि सुनील भाऊ एक वाक्य वारंवार उल्लेख करून राहिलेले आहे की गोल्डन गँग हा विषय जो आहे कदाचित इथं उपस्थित राहिलेले जे सदस्य आहेत हे सभागृहात सत्तारूढ पक्षासोबत होते, कदाचित हे सदस्य गोल्डन गँगचे आहेत काय, हा प्रश्न या प्रश्नाचं उत्तर या चॅनलवाल्यांकडून किंवा त्यांच्याशी समर्थित जे हे असेल किंवा जर आज जरी नाही मिळालं तरी आम्हाला कमीत कमी या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं पाहिजे की जे सन्मान्य सदस्य आहे सुनील भाऊ जे सुनील भाऊ ज्यांना गोल्डन गँग म्हणते आहे ते सदस्य कदाचित गोल्डन गँगचे असतील, तुमच्या भीतीपोट इथं आले नसेल, या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला एक तर या चॅनलवाल्यांकडून आवश्यक आहे किंवा त्यांचे जे सहकारी आहेत, कारण इथं घोटाळ्याचा वगैरे विषय निघाला होता, सावरासावर करण्याचा प्रत्येकाने प्रयत्न केलेला आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की भारतीय जनता पक्षाकडे भरपूर जण उमेदवारीसाठी येऊन राहिलेले आहेत. म्हणजे परिस्थिती अशी आहे की काही लोक या दारात गेले त्या दारात गेले त्यांना उमेदवार मिळत नाही आहे. साहब मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा. आप प्रश्न के लिए मैं बुलाया, जो आ रहा है स्पीच दिया जा रहा है. मैं एक प्रश्न पूछे, यहाँ जनता है, इनमें से किसी एक को आपको चुनना है. किसके लिए आपका प्रश्न है वो आप मुझे बताइए. गोल्डन गैंग तो यहाँ सभी जानते हैं कौन है और मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आप भी गोल्डन गैंग जानते हैं और प्रदीप भैया भी गोल्डन गैंग जानते हैं, सभी गोल्डन गैंग जानते हैं. प्रभाग हा सत्तारूढ पक्षाशी संबंधित होता. सत्तारूढ पक्ष म्हणजे सत्तारूढ नगर सेवक इथं या मैं एक शॉर्ट में बता दूं, जिसने भी 5 से 6 साल
तक उसने वो कुर्सी को उपयोग कहा, उसी को गोल्डन गैंग वहां कहा गया है और वो कुर्सी को पकड़ के चिपक गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बाकी आप लोग भी और सब समझदार है गोल्डन गैंग कौन है, जो पांच पांच छह छह बार यहां से चुन के जा चुके हैं वो ही गोल्डन गैंग में समर्पित है। और सर आप आइए, आप पूछना, आप बैठिए आपकी जगह, सब आप अपना सवाल पूछिए शॉर्ट में। किसके लिए नाम लेके पूछेगा सवाल? माझा सवारणिक आहे, थोडा आगे लीजिए सर। माझा सवारणिक आहे, मी इथलाच नगरसेवक, म्हणजे नगरसेवक तर नाही आहे, एक प्रतिनिधीच नाही कोणाचाही, फक्त मी एवढा सगळ्यांनाच एकच विनंती करतो की फक्त निवडून आल्यानंतर मला सर्वांचा एकच फक्त मला प्रश्नाचं फक्त उत्तर पाहिजे। निवडून आल्यानंतर फक्त कोणत्याही उमेदवाराने फक्त असं म्हणू नये की तुम्ही आम्हाला मतदान केलं नाही म्हणून आम्ही तुमचे काम करणार नाही। आणि निवडून आल्यानंतर कोणी असो, सारे आपले म्हणजे काका काकू सारे आपल्यापेक्षा मोठेच आहे, फक्त लहानातला लहानही उमेदवार गेला, छोटाही गेला, मोठाही गेला, तर सगळं धन्यवादच आहे आपलं। त्यांना आता उभे राहणार, त्यांना आपलं कोणाला संपूर्ण सगळ्यांना कसं आहे कॉंग्रॅच्युलेशन आहे आपलं। पण निवडून गेल्यानंतर एक छोटासाही गरीब घरातलाही मुलगा जर मतदार त्यांच्याकडे गेला, फक्त त्यांच्यासोबत उद्धटपणे वागू नका, तुम्ही आम्हाला मतदान केलं नाही, तुम्ही या नगरातले आहे, तुम्ही या झोपडीतले आहे, तुम्ही इच्छा आहे, अशी वागणूक देऊ नका। तुम्ही गरीब आहे नाही तर श्रीमंताचे काम असल्या फोन आणल्याबरोबर यांची नाली पहिले साफ करा, हे गरीब यांचा काही प्रभाव पडत नाही काही करा, फक्त कसं आहे आल्यानंतर फक्त वाद करू नका, हेच फक्त मला विचारायचं फक्त। ठीक आहे साहब, आप सभी को इनका सवाल आगे होगा काकाजी। या ठिकाणी ही सर्व मंडळी तुमच्या प्रश्नाची उत्तर देण्याकरता उपस्थित आहे। प्रत्येकाला तुम्हाला ज्या ज्या व्यक्तीला प्रश्न विचारायचा असेल त्यांना तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे। आता मी आदरणीय दंदे साहेबांना प्रश्न विचारतो की आपण दंदे साहेब गेल्या 20 वर्षापासून कॉर्पोरेशनच्या 10 वर्ष तुम्ही कॉर्पोरेट म्हणून झाले, पण कार्यकर्ता म्हणून तुम्हाला मी 20 वर्षापासून पाहतो। तर हे असताना आपल्याच प्रभागामध्ये हा जो नाला बांधकामाचा प्रश्न आहे ह्या लक्ष्मीनगरच्या कोपऱ्यापर्यंत आलेला आहे, हा इथपर्यंत पुरवत का गेला नाही, पहिला प्रश्न। दुसरा, आपण जो हा बायपास काढलेला आहे, हा बायपास जयश्रीराम नगर पर्यंत झुकलेला आहे, तो पूर्ण पुरवत का टेकला गेला नाही, एवढं सांगा फक्त। काकांनी अतिशय चांगले प्रश्न विचारलेत आणि ज्याचा उल्लेख यांनी केला, वानर यांनी केला, संजीव वानर यांनी, मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही या भागातून, मी जो शाळकरी मुलांसाठी पूल बांधलेला होता इथे, या भागातून जाताना तुम्ही बाजाराकडे जाताना 10 वर्षाआधीचा शिवनगर, संतोषनगर, जयश्रीराम नगर, बजरंगनगर, यात तुम्हाला बदल दिसतो? एक, मी ज्यावेळेला 2007 निवडून आलो साहेब, एकही रस्ता धडाचा नव्हता, त्याला डांबर म्हणतात। आज तुम्ही जर पाहिले तर 80% त्या ठिकाणी काँक्रीटचे रस्ते झालेत, डांबर झालं, एक नाली नव्हती मागच्या, त्याच्या पहिल्या आधी 17 नाल्या कराव्या लागल्या, पाईपलाईन न्यावी लागली। आणि मित्र विचारतात एका नगरसेवकाला मिळणारा निधी किती, तुम्ही तर 15 वर्ष घालवले, तुम्ही 5 वर्षात आमदार सोबत होते म्हणून यांना जास्त निधी मिळाला। मला 2009 पासून, म्हणजे रावसाहेब 5 वर्ष होते, 1 रुपया नाही। आता सुनील देशमुख आहेत, 2.5 वर्ष झालेत, 1 रुपया नाही। तरी सुद्धा मी केवळ माझ्या कल्पक बुद्धीनं जेवढं पाहिजे तेवढं काम या प्रभागासाठी केलेलं आहे। तुम्ही नेहमी त्या भागातून जाता। आणि राहिला आता यांच्या प्रश्नाचं उत्तर, या नाल्यांसाठी 10 वर्षात तुम्ही आमसभेतून प्रस्तावाचे माहिती कळा, सातत्यानं मागणी केली, पण 1 कोटी लागतात आणि मी सत्ताधारी पक्षात नाही आणि त्यामुळे त्यांनी या भागाला इथून आम्हाला पैसे दिला नाही, तिथून पुणे दिला, तुम्ही लक्षात घ्या, हबीबनगर पासून पुणे दिला तिकडे, परंतु आम्हाला सत्ताधारी जे होते त्यांनी पैसे दिला नाही। त्याचबरोबर दुसरा जो रस्ता तुम्ही म्हणता की तुम्ही जयश्रीराम नगर पर्यंत आता आणला, या कोपऱ्यापर्यंत, नाल्यापर्यंत आणला, साहेब हे जे राहतात ना त्या भागाला, शिवनगर, संतोषनगर, जयश्रीराम नगर, यांना तो यांना तिथून यायला जागाच नव्हती। 2 घरं या पठ्ठ्यानं तोडले माझ्या समाजाचे, 50 लाखाचा रस्ता केला, इथपर्यंत आज ते नगर चकाकताय। यांना काही लोकांना वाटत असेल का काय केलं? 10 वर्ष लहान लहान मुलं म्हणायचे काका आमचे पाय भरतात, काहीच नाही या भागाला, त्या ठिकाणी विकास केला। आणि आता मी मागच्या 2013 सांगितलं की हा पूर्ण मला इथपर्यंत न्यायचा आहे,
कुठपर्यंत? या महेंद्र कॉलनीच्या रोड पर्यंत मला त्याच्यासाठी निधी मिळाला नाही आणि तो आता हा प्रभाग काय झाला? महेंद्र कॉलनी झाला. तोपर्यंत तिथपर्यंतच होता, आता महेंद्र कॉलनी झाला. मी इथून या मतदारांना सर्वांना सांगतो, निवडून आल्याबरोबर हा रस्ता हा मोठा हा आम्ही तिथपर्यंत नेऊ आणि तुम्ही मला नवा म्हणून मत एक आणि दर दिवसाला येईल तुझ्या घरी येईल आणि मला या प्रभागातल्या नव्या लोकांनी मतदान का करावं याच्यासाठी सांगतो. तर मी 5 वर्षात काय केलं? तर या शहरात नाही, राज्यात बीपीएल कोण? प्रत्येक महिला बीपीएल साठी त्रासते आहे, बीपीएल साठी त्रासते आहे. त्यांना अनेक लोक फिरतात, बीपीएल नाही, बीपीएल नाही, बीपीएल नाही. का नाही? तर सरकारचे निकष आहे 2002 पासून की बीपीएल कोण? ज्याच्याकडे लाईट आहे, ज्याच्याकडे पंखा आहे, ज्यांच्याकडे टीव्ही आहे, ज्यांच्याकडे अलमारी आहे, गाडी आहे, या पैकी 2 वस्तू असतील तर तो बीपीएल नाही. आणि म्हणून मग मागच्या वर्षा एप्रिलला आम्ही मोर्चा काढला, 1 एप्रिल 2015 10,000 लोक होते. आमची श्रीमंती घ्या आणि गरीबी द्या. जर आम्हाला केवळ 2 वस्तू म्हणून आम्हाला जर तुम्ही श्रीमंत म्हणत असाल तर आम्हाला एक श्रीमंती नको, आमची गरिबी आम्हाला परत करा. सरकारला ठणकावलं, सांगितलं, सुनील देशमुखांना सांगितलं आणि सुनील देशमुखांनी ऐकून घेतलं आणि त्यांना सांगितलं की साहेब बाईच्या घरी टीव्ही आणि पंखा आहे म्हणजे श्रीमंत कशी? ते बाई काय म्हणे? साहेब माझ्या घरी टीव्ही आहे. ती कसा आला तो साहेब विचारा ना. तिने सांगितलं की मी सिंधी मूल्यामध्ये भांडी धुवायला जाते, तुम्ही ऐका सर्व, सिंधी मूल्यामध्ये भांडी धुवायला जाते आणि त्यांच्या घरी एलईडी टीव्ही घ्यायचा आहे, त्याला मोठा टीव्ही घ्यायचा आहे आणि म्हणून मग त्याच्या घरातला टीव्ही आम्हाला 1,500 दिला, तो किस्तने दिला आणि तोच मुद्दा सुनील देशमुखांनी मान्य केला का त्याच्या घरचा टीव्ही 2,500 विकला गेला होता आणि त्यांनी तिथे सभागृहात मांडलं, सर्व आमदारांनी त्याला मान्यता दिली आणि आज या शहरामध्ये शासनाने त्याचे निकष बदलवले. हे माझं योगदान आहे की आज 32,000 बीपीएल धारक होते. आज अमरावती महानगरपालिकेत तुम्ही सर्वजण जा विचारा तिथे आज किती नाव आलेत, 80,000 नावं आज बीपीएलचे मध्ये आलेत. ती आता लिस्ट येणार आहे, 80,000 आली लिस्ट, फक्त त्यात पत्ते नसल्यामुळे थांबलं. हा प्रदीप नगर सेवक म्हणून गेलेला. एक सवाल आपसे पूछूंगा, जब आप सत्ता में नहीं है, आपकी पार्टी सीटें नहीं लड़वा पाती यहाँ पे, तो फिर इस समय फिर आपने आरपीआई से क्यों? आप दूसरे पार्टी से भी टिकट ले सकते हैं, आपको ज्यादा फंडिंग हो सकता है, आप काम करवा सकते हो. मी मुळात रिपब्लिकन पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, आठवले साहेबांच्या नेतृत्वात गेल्या 30 वर्षापासून काम करतो. फंडिंग का प्रॉब्लेम आपको आता है ना? आपने फंडिंगचा तरी नाही, यांनी दिला नसला तरी महापालिकेत आम्हाला आमच्या वार्ड विकासाशिवाय कसा निधी आणायचा, एवढं आम्हाला 10-15 जणांना गटलं आणि त्यातून विकास झालेला. धन्यवाद. और कोई पूछना चाहेगा? प्रदीप भाऊ धंदे के लिए. प्रदीप भाई के धंदे. आज से 10 साल पहले प्रदीप भाऊ यहाँ से चुन के आए थे, क्योंकि 10 साल से प्रदीप भाऊ धंदे यहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 5 से चुन के आए थे. लेकिन हाँ, 23 शोभानगर से चुन के आए थे. तब हम प्रदीप भाऊ धंदे के घर को गए तो उनको पूछे तो वो प्रदीप भाऊ धंदे ने डायरेक्ट जवाब दिया कि शोभानगर से हमारे को वोटिंग मिला नहीं. या भागामध्ये मी या भागाचे कोणी लोक राहतात त्यांनी मी सांगावं या भागात मी काम केलं की नाही. माझा असा स्वभाव नाही. आता कुणी कोणाच्या मनातून काही विचार असतील त्याला हे नाही. हा, ये प्रदीप भाऊ ने अभी बताया जो ये सब सच है, लेकिन जो जिस दिन से जब ये चुन के आए ना शोभानगर में उनका आता ना पता था, अब ये जो इलेक्शन में खड़े हो गए तो आज ये यहाँ पे खड़े हो गए, इनका जवाब मेरे को उनसे मिलना है. अरे तुम्ही काय विचारताय? मी 2007 ते 2012 पर्यंत या भागाचा नगरसेवक होतो. 2012 ते 2017 इथून नव्हता ना दादा प्रभाग, तुम्हाला माहिती नाही काय? असं कसं म्हणाल? और भी प्रत्याशी है कोई? मानकर जी से कि मानकर जी के लिए किसका प्रश्न है? मानकर जी के लिए कौन पूछना चाहेगा? मानकर जी के लिए किसी का प्रश्न है? आइए इधर. क्या यही से पूछे? मानकर जी के लिए प्रश्न पूछे. मानकर जी आइए. मानगर काका, मी एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला. पहिले तुम्ही आहे ना माझ्या घरापाशी डुक्कर मेला उचलला होता तुम्ही. हा, हे नगरसेवक आलते का? धंदे साहेब हे जेवढे पण आहे
आलते का मी बघितलं मी माझ्या घरापाशी ते कोण्यावरच घर होतं जयश्रीराम नगरापाशी तिथं रोड आहे ना उलटा पहिले ना एक गाडी पडली होती भंगाराची मी बघितलं प्रश्न एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला सगळ्यांना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पूछे जयश्रीराम नगरात राहतो तुम्ही पहिले राहतो आता पण तिथंच राहतो हा पण तिथे एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला तिथे एक डुक्कर मेले होत पण ते ह्यांनी उचललं होतं रोडावरचं पण यांना हे गोष्ट नाही कचरा कधी नाही कराव कोणाचा कोणावर हसावं नाही मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो आणि ते जयश्रीराम नगरात आहे ना रोड तो बनला होता तर 30 फुटाचा का 40 फुटाचा रोड होता तो हा तो रोड आहे ना अर्धा अर्धा बनवला अर्धा राहू दिला असा कहून अच्छा आधा रास्ता बनाया आपने आधा क्यों कहीं ना या भावाचा प्रश्न असा आहे की जयश्रीराम नगर मध्ये एक तुकड़ा बनला दुसरा तुकड़ा बनला नाही दुसरा तुकड़ा हा मंजूर आहे दरम्यान आचारसंहिता लागली दादा तू तुला महापालिकेत जाय तिथले नाव पाहून घे की तो रस्ता बनेल आचारसंहिता लागली आणि त्यामुळे तो राहला तो याच्यानंतर निवडणुकीत कोणी निवडून येऊ समजा मी नाही आलो कोणी येईल पण तिथे पाठी माझी राहील कारण तो मंजूर मी केलेला आहे साहब आपने कहा क्या मानकर जी से आपको कुछ पूछना है मानकर जी का आपने कहा कि जो नीचे पिक था वो उन्होंने उठा के खुद फेंका मुझे लगा आप इनसे प्रश्न पूछ रहे कोई है इनसे प्रश्न पूछने के लिए कोई पूछेगा इनसे आप ऊपर रुकिए बैठिए आइए दोनों वेल क्वालिफाइड है मी मानकर साहेबाला एक प्रश्न विचारू इच्छितो कि शिवसेनेचं युवकासाठी काय अजेंडा याच्या पुढचं प्लॅनिंग काय आहे शिवसेनेत आणि बीजेपी शिवसेनेत स्वतः अंतर्गत वाद आहे इथं प्रत्येक तिकिटासाठी मागणी करत आहे तो म्हणते मी मला तिकीट नाही भेटली तर मी त्याच्या विरुद्ध काम करेन मला त्याच्याशी काही लेन देत नाही पण मला शिवसेनेशी विशेष लगाव आहे की त्या शिवसेनेसोबत युवकांसाठी समोर काय अजेंडा आहे त्यांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून गटनेता म्हणून काही वर्ष काम केलंय त्याबद्दल मी त्यांना विचारू इच्छितो की युवकासाठी स्पेशल महिलांसाठी शिवसेनेजवळ अमरावती महानगरपालिकेसाठी काय प्लॅनिंग आहे कोणत्या भरोश्यावर ते त्यांची सत्ता स्थापन करणार आहे बहुत अच्छा सवाल किया आपने जवाब दीजिए अमरावती महानगरपालिका आम्ही सत्तारूढ झाल्यानंतर अमरावती महापालिकेत या महानगरामध्ये असं एकही घर राहणार नाही जे संडासा वाचून राहील म्हणून आमच्या माया बहिणी उळ्यावर बसणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ ते सर्वप्रथम काम करणार आहे दुसरा महत्वाचा भाग आहे की जुन्या अमरावतीमध्ये अंबागेट चातनरचा भाग झाला विलासनगरचा भाग झाला किंवा आधी कोणत्या दुसरे भाग आहेत जे जुने भाग आहेत तिथेच फक्त दवाखाने आहेत महानगरपालिकेचे अमरावती महानगरपालिकेत आम्ही सत्तारूढ झाल्यानंतर पूर्ण प्रभागात एकूण एक प्रभागात महानगरपालिकेचा एक चांगला दवाखाना आम्ही देऊ युवकांकरता ज्या योजना आनंदराव अडसुळांनी या एमआरडीसीमध्ये अनेक कारखाने आणलेले आहेत जवळपास 20,000 लोकांना ते काम देण्याचं काम चालू आहे युवकांना काम देण्याचं काम चालू आहे इलेक्शन के बाद में दिया जाएगा काम नहीं, नहीं, अभी चालू है अभी हाँ चालू है आम्ही पहिले करतो नंतर बोलतो घोषणा नाही आहे घोषणा नाही आहे हम पहिले करते बाद में बोलते ठीक आपका प्रश्न किसके लिए नहीं नहीं आप बैठिए ना वो पूछेंगे ना आप बैठिए ना वो माझं नाव बैठिए साहब आप बैठिए डॉक्टर बाळासाहेब मोरे मानकर साहेब आपण कामगार नेता आहे मोशी कॉल पासून मी तो आपल्याला ओळखतो आणि शिवसेना या भागामध्ये मी शिवसेनेचा कार्य आहे स्पष्ट सांगायला हरकत नाही पण मला सांगता मानकर साहेब आपण जर निवडणुकीमध्ये विजय झाला तर अमरावती साठी किंवा महेंद्र कॉलनी प्रभागासाठी तर तुमचं उत्तरदायित्व राहणारच प्रश्नच नाही काम करावंच लागेल पण अमरावती शहराकरता तुमचा कोणता असा अजेंडा मोठा आहे की जो सगळ्यांना चांगलं वाटेल अमरावती शहराकरता त्याचं मान राहील त्याचं भूषण राहील आणि सिटी चॅनल वाले तुमच्याकडे पुन्हा येईल असं आपल्याकडे अमरावती शहराकरता आपलं काय योगदान आहे चांगला प्रश्न केला अमरावती महानगरपालिकेमध्ये शिवसेना सगळ्यात पहिले एक यांचा मुद्दा आहे यांचा मुद्दा होता की इथे शिवसेनेमध्ये आपसामध्ये तिकीट मागत आहेत आणि याला तिकीट नाही देत तो विरोधात लढेल हा विषय इथं नाही पण तो खुलासा मी याच्यासाठी करतो की शिवसेना एवढा मोठा पक्ष आज आहे की या वार्डामध्ये या प्रभागात 17 लोकांनी तिकीट मागितलं शिवसेनेच्या
म्हणजे किती मोठी गोष्ट असली पाहिजे, किती मोठी कॉम्पिटिशन असली पाहिजे. 17 लोकांनी तिकीट मागणं फार मोठी गोष्ट आहे पक्षासाठी, आणि ज्यांना तिकीट मिळेल त्यांचं आम्ही सगळेजण काम करू, काही विषय येणार नाही कोणताच. हा, युवकांसाठी सांगितलं ना, एमआयडीसी मध्ये अडसूर साहेबांच्या माध्यमातून आपण अनेक मोठे मोठे उद्योग आणलेले आहेत, त्यामध्ये लोकांना काम आपण देण्याचं काम चालू आहे. साहेब एखादा उद्योग, एक मिनिट तुम्ही एक प्रश्न विचारला, इंडस्ट्री झालेले एखादा उद्योग आपण सांगा, कापड उद्योग आलेले आहे, कापड उद्योग आलेले आहे, चालू आहे काम, तिथे काम चालू आहे. हा, अशोक जी रेवसकर यहाँ पे, उनके लिए किसी का प्रश्न है तो कोई पूछे अशोक जी रेवसकर के लिए, आइए इधर. नमस्कार, मी शुभम देशमुख. मला असं वाटतं इथं की वाद-विवाद स्पर्धा चालू आहे की आमच्या युवकांनी काय बोध घ्यावा तुमच्याकडून. तुम्ही याला म्हणता हे, मला एक सांगा, तिरंगाचा कलर कोणताही असला तरी धागा एक आहे. मला तुम्ही सांगा, तुम्ही शिवसेनेला भाजप मला काय घेणं देणं नाही आहे. मला सांगा, तुम्ही म्हणता महत्वाची कामं जुळले नाही आहे. 5 वर्षात तुम्ही शेतात गहू फिरल्यानंतर एकदम गहू निघणार नाही आहे, केवढ्या पोत्यात ठेवणार नाही आहे. आणि एक कमिटी बसून पहिले महत्वाचे काम कोणते आहे त्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. आता नाले नाही बनले, हे नाही बनले असे लोक चर्चा करत आहे, त्याबद्दल मला काही घेणं देणं नाही. आणि इथचा सर्व नागरिक नगरसेवक आहे हे सर्वांनी स्वतःला जाणून घेतलं पाहिजे. तुम्हाला माहितीच्या अधिकारात सर्व माहिती मिळते. आता ब्लॉक कोणते आले, अंदाजित किंमत लिहिली आहे त्यात. आपल्या माहितीच्या अधिकारात तुम्ही रोड कोणती वापरली आहे, लोहा कोणता वापरलाय, सर्व माहिती घेऊ शकता. सर्वात पहिले नागरिक हा समर्थक असला पाहिजे, म्हणजे त्याला जागृत असला पाहिजे, ही विनंती करतो. आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद. मैंने बोला प्रश्न पूछा सब आइए. रेवसकर जी के लिए कोई प्रश्न है आपके पास तो बताइए. मी मनोहर पाटील, जयश्राम नगरातल्या नगरवासी आहे. मी जयश्राम नगर मधील रहिवासी आहे. आमच्या जयश्राम नगर मध्ये भरपूर समस्या बाकी आहे, बरेचसे रोड राहिलेले आहे, नाल्या, त्यानंतर मोठा जो नाला आहे तो नाला वर्षातून सफा होत नाही. आणि या आधी जे नगरसेवक राहिलेले आहे, पंजाबरावजी तायवाडे आणि प्रदीपजी दंदे, यांना आम्ही म्हटले, परंतु त्यांनी 10 वर्षात त्या नाल्याचा तर प्रश्न सोडविला नाही, बराचसा रोडचाही सुद्धा प्रश्न बाकी आहे. आमची त्यांना आणि या वर्षी येणारे जे नगरसेवक राहील, तसेच सेनाचे जे नगरसेवक राहील, यांना सुद्धा माझी एक विनंती आहे की त्यांनी ज्या परिस्थितीत, मैं आपको क्लियर कर दू, अभी नगरसेवक आई नहीं है, अभी कॉम्पिटिशन होना है. अभी आप एक तरह का प्रचार कर रहे हैं. मैं आपको ये सुनिए, मैं करेक्शन करूँ आपको. मैंने आपको यहाँ बुला भाषण देने नहीं या किसी को डिबेट करने नहीं, मैंने रेवसकर जी के लिए प्रश्न पूछने के लिए कहा. आप सिर्फ पूरा शुरू कर दिया, आप प्रश्न पूछिए. रेवसकर जी है, दंदे जी से पूछे, मानकर जी से, महिलाएं हैं, इनसे कोई प्रश्न पूछने वाला है? रेवसकर जी अभी हमारे प्रभाग में नहीं थे, अभी नए, अभी जो हमारा प्रभाग होने के वजह से आए. बताइए ना, आप प्रश्न पूछिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, उनसे प्रश्न पूछिए आप. मेरा मतलब, मैं प्रश्न दंदे जी से पूछूंगा कि जैसा मैं जब पहली बार मेरे वार्ड में जब मैं दंदे साहब थे, जब मेरा रोड होने का था, उस टाइम में जब दंदे साहब के तरफ गया था कि भाई मेरा रोड कब बनाते हैं, तो उन्होंने मेरे को यह प्रश्न पूछा था कि भाई तुम्हारा रोड मेरी इसमें, बोले तो खासगी में है, मैं वो रोड के लिए ये कटला मुरुम नहीं देता. ये भाषा जो है नगर सेवक ने, इसके सामने जो आने वाले जो नगर सेवक, इन्होंने नहीं कहना चाहिए. मेरी ये गुजारिश है, हम पूछते हैं उनसे, हम पूछते हैं, आप आइए, हम पूछते हैं. दंदे जी, सबसे ज्यादा विवादों में आप ही घिरे नजर आ रहे हैं यहाँ पे. हर किसी को एक मिनट साहब, आप ही से प्रश्न है और फेस करना आपका काम है, बताइए. मी या नव्या प्रभागातील जनतेला, सांगू इच्छितो की आजचा हा जो दंगल काम कार्यक्रम आहे हा जुन्या आमच्या वार्डासाठी आहे, बरोबर आहे. तर त्यांनी जो प्रश्न केला, मी पहिलेच उत्तर दिलं की मला नाल्यासाठी पैसे मिळाले नाहीत. आणि त्यांनी म्हटलं का माझा रस्ता केव्हा करता, का त्यांचा रस्ताही झालाय, नाली झाली आहे आणि पाणी दिलंय. आणि एवढं पाणी येते त्या भागाला का आमच्या तिकडे माझ्या घराकडे येत नाही, तेवढं पाणी येत आहे, बरोबर आहे. काय ते कुठे कुठे कोण्या भागाला जवाब जर नगर के बारे में पूछ रहे. संतोषी नगरच्या बाजूला, शिवनगर बजरंगला एक तुम्ही 10 वर्ष आधीचा मी फोटो दाखवतो, ते
तेवढा तुम्ही पहा कसा होता, त्या भागातल्या राहणाऱ्या लोकांना तिथेच विचारा की तो भाग कसा होता आणि आज कसा आहे। आता ते जे डोबरा जे म्हणतात ज्या भागात नालीच होऊ शकत नाही, उलट्या घरारेनं पाणी जात नाही, ती नाली जर एखादी राहिली असेल आणि तिथे जर डोबरा जात असेल त्याला नगरसेवक कसाचा बाजार राहू शकेल, अशा पद्धतीचं एकंदर वातावरण आहे। हा जो आहे तो भाग आहे विरोधाला विरोध करणे, हा काही पॉझिटिव्ह सेन्स नाही। ठीक आहे, महिलाओं में हमारी बहने बहुत सारी है और महिलाएं भी है, कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे महिलाओं में से किसी को पूछना है? माता जी आपको किसी को प्रश्न पूछना है आपको? क्योंकि इनको इनको 50% आरक्षण है, इनको 51% आरक्षण दिया है, इसलिए एक आइए। माझं नाव प्रमोद नागोवा भगवान है, माझा प्रश्न धंदे साहेबांना है का? मी इथंच राहतो महेंद्र कॉलनी प्रभागात, महेंद्र कॉलनी प्रभागात। हो पहिले पुराना नाही, आधी नव्हतो। प्रश्न सर्वांना विचारायला सांगितले ना, बरं इथले जेवढे सर्व नगरसेवक आहे, जे सर्व नगरसेवक आहे सर्व नगरसेवकांना माझा प्रश्न आहे असं म्हटलं चालेल? एक सेकंड मी आपको रोक दू, एक मी क्लिअर कर दू। आप कौन से वार्ड में रहते थे? पहले वार्ड था, कौन से वार्ड में थे आप? महेंद्र कॉलनी प्रभागात। आपके नगर सेवक कौन है विद्यमान? रेवस्कर साहब। उनसे सवाल करिए, आप बैठिए, आप आइए इधर। हेलो, आइए आप। रेवस्कर जी आपके लिए प्रश्न है, मैं कहूंगा आपके लिए प्रश्न है, आपके आपकी अर्धांगिनी को भेजिए। नहीं, आप बैठिए, मैडम को भेजिए आप, मैडम यहाँ पे नगर सेवक है, मैडम को भेजिए यहाँ पे, मैडम से आप बैठिए, आप पूछिए, मैडम से पूछिए। आमच्या नगराचे नगर आमच्या वार्डाचे नगरसेवक माननीय श्री योजनाताई रेवस्कर यांना मी प्रश्न करतो। जे मागच्या वर्षी मागील 5 वर्षात ते नगरसेवक राहिलेले आहे, आताही आहे, पुढे राहीन हे आम्हाला माहित नाही। पण आमचा प्रश्न होता, जे मागच्या वेळेस जे यांनी आम्हाला आश्वासन दिली होती आम्ही लायब्ररी खोलू हे खोलू, त्यांचे प्रश्न सुटलेच नाही। यंग पिढी पूर्ण त्यांच्यासोबत काम केले होते मागं, हा महत्वाचा रोड नाल्या रोड केले म्हणा, काँग्रेसचे रोड झाले आमच्या एरियात बरेचसे झाले, 70% काम केले त्यांनी। पण जे नाल्याच्या साफसफाई समस्या सुटल्या नाही, आमच्या हनुमान नगरात अजूनही 15 दिवसाच्या आड नाल्या सफा केल्या जाते। अगर थोडा आप ऐसा सोचे तो कितने लोग साफसफाई के लिए आते कभी ध्यान दिया है आपने? 5 लोग आते है, 10 लोग आते है, ऐसा कुछ? तसे तर 50 सांगितले झाडून आल्यावाले, पण 10-15 दिसतात आम्हाला। ओके, 15 दिवसातून। हाँ, प्रश्न ये है कि लाइब्रेरी नहीं बनी, सांस्कृतिक प्रोग्राम सांस्कृतिक भवन का काम हुआ है? नहीं हुआ। मैडम योजना मैडम साहब आप जवाब देंगे, मैडम देगी, ये देंगे आप। लाइब्रेरी खुली है बौद्ध विहारात नहीं खुली है लाइब्रेरी, लेकिन इन्होंने कहा था न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके आप वहाँ लाइब्रेरी बनेंगे, ऐसा इन्होंने कहा कि आपने वादा किया था? नहीं, आप न्यू बिल्डिंग खुली है, आप आइए मैडम, मैडम मैडम आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, देखिए रिलैक्स हुई है। एक मिनट साहब, बौद्ध विहारा मध्ये लाइब्रेरी खुली है आणि तिथे एक मिनट रुकिए ना, आता 26 जानेवारीला पण तिथे प्रोग्राम चालू है, बौद्ध विहारात खुललेली आहे, इनका बिल्डिंग बांधलेली आहे बौद्ध विहार की, आपको शायद ग्रंथालय वहां देखा नहीं क्योंकि आप पढ़ने ही नहीं गए होंगे। फिर ये मैडम गलत, बौद्ध विहारा मध्ये खुललेली आहे आणि आणि शोएब भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, जो लोग चिल्ला रहे उनका अभी भी मेडिकल करो तो 15 लोग उसमें से दारू पिए हुए हैं, और इनका जो उत्तर है तो बौद्ध विहार में 5 लाख के वाचनालय बांधा हुआ है। इनका प्रश्न है, उत्तर नहीं है, प्रश्न है। हाँ, लाइब्रेरी बन ली, 5 लाख की बिल्डिंग बना के लाइब्रेरी बनाया हुआ है, ये कैप्टन सिरसा साहब को मालूम है, हनुमान नगर के साहब ये 50 लोग बोल रहे हैं, वार्ड में सिर्फ 24 लोग काम के लिए लेते हैं, उसके लिए SI रखा हुआ है, ये डायरेक्ट आयुक्त से कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर नगर सेवक का भ्रष्टाचार है, डर उसको है जो यहाँ का विद्यमान नगर, इनका सवाल मेरे लिए नहीं था, इनका सवाल था विद्यमान नगर सेवक यहाँ हाजिर नहीं है, ये एरिया का नगर सेवक छेका जो था। मैं आपको एक बात बता दूं, इनका नगर सेवक यहाँ का हाजिर नहीं है। मुझे एक बात बताइए,
आप रेवस मैडम और हिवसे जी साथ में कंबाइन दो लोग चुन नहीं, नहीं। लेकिन इन्होंने अभी ऐसे में हाँ, उनको मालूम नहीं, इन्होंने जानकारी दी कि मैडम हमारे वार्ड की नगर सेविका नहीं, इनका घर ही वहाँ नहीं है, ये हनुमान नगर में रहते हैं, इनका घर ही वहाँ नहीं है। हाँ तो इनको ये हमारे वार्ड में है, ये हनुमान नगर तो आपके वार्ड में है। तो इनकी जो समस्या आप अभी बता रहे थे ये जय सियाराम नगर की बता रहे थे, बराबर है। हाँ पूछो इनकी समस्या जय सिया। हाँ और यहाँ की जो बेकारी दूर की है, पांच लाख रुपए की बिल्डिंग बन के वाचनालय शुरू किया है कैप्टन साहब को मालूम है, ठीक है। हाँ और 14 कोटी के काम है, सब जनता को मालूम है। समर्थकों की होड़ को लेकर और सब आपस में नारेबाजी करके ये हमें ये प्रोग्राम सिटी न्यूज का यही बंद करना पड़ा, हमें खेद करना पड़ रहा है कि ये कार्यक्रम यही बंद कर रहे हैं।